साथ हैं एम्स में ट्रॉमा सर्जरी के प्रोफेसर डॉक्टर है उनको पूरे सरिये समेत निकाला गया और बिठा करके उसको एक करवट से लिटाया और फिर जो दूसरी साइड थी उससे फिर हमने इंसिजन देके उन सरियों को अपने सामने निकाला उसका एक स्टेटमेंट था कि अब मैं पूर्वतः हिंदुस्तानी हूँ क्योंकि अब सारा का सारा सारा खून मेरा जो है वो वो बदल के अब हिंदुस्तानी खून हो गया है आप यहाँ को में पढ़ते थे? मतलब लड़के एक साथ पढ़ती थे थे पर वहां पर कुछ अलग ही छटा थी इंटरेक्ट भी जो लड़के ज्यादा लड़कियों से करते थे उनको को बोला जाता था कि भाई ये ये उस टाइप के हैं रोमियो टाइप के लड़के हैं भाई भयानक किस्म की मेडिकल कॉलेज में रैगिंग कानपुर की तो रैगिंग फेमस थी यूपी के अंदर बताइए विस्तार से मेडिकल में फीस बहुत ज्यादा होती है क्या सेल्फ फाइनेंसिंग कॉलेजेस या प्राइवेट कॉलेजेस जिन्हें बोलते हैं उसमें डेफिनेटली फीस होती है जब आप ऑपरेशन थिएटर में हो या जहाँ पे भी हो आपकी टीम से गलती हो जाए जिसकी वजह से उस पेशेंट को भी नुकसान हो जाए एरर्स uh, का पूरा एक uh, uh, मैं कि टॉपिक है मेडिकल साइंसेज में मतलब सचमुच में पेट में कैसी छूटती है छूट जाती है छूटी हुई है ट्रामा वाले कोरोना काल में क्या कर रहे थे <laughs> ट्रामा वाले कोरोना काल में ट्रामा कर रहे थे वो जो एक फिल्म आई थी मुन्ना भाई एमबीबीएस उसमें बमन ईरानी किरदार कहता है कि आपको किसी भी मरीज़ के साथ इमोशनली अटैच नहीं होना है और मुन्ना कहता है कि होना है हम ऑब्वियसली इतने इमोशनली इन्वेस्ट नहीं हो सकते किसी में भी कि उसको पर्सनल ले लें जो राइटिंग आप लोग की रहती डॉक्टरों की उसकी डिग्री कहाँ से मिलती है <laughs> एक फिल्म आई थी कबीर सिंह तो वो भी सर्जन था पर वो ऐसे ना परकनलियों की तरह तमाम बोतलों से शराब वराब चूती रहती थी पीता था और वो सब सर्जरी वर्जरी करता था आप लोग करते हो क्या सच्ची बच्चे में ऐसा नहीं आ, उस उसपे तो खैर बहुत एक्सट्रीम दिखाया था वो पर्सनैलिटी ये हम लोग होंकते रहते हैं कि कुछ नया लाओ नया एंगल आना चाहिए है ना मेरे को ये जानना है की आपके लिए तो हर नया चैलेंज है वॉट सेल्स योर बोट एज अ ट्रॉमा सर्जन? लाइफ एंड द सैटिस्फैक्शन ऑफ गिविंग लाइफ वो जो एक, 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 एक अलग टाइप का सेटिस्फैक्शन हो वॉट यू बाय इंफिनिक्सिंग ऑन इन्फिनिक्स स्मार्टफोन सेप्टेंबर ग्यारह से सिर्फ फ्लिपकार्ट गेस्ट इन द न्यूज़ रूम के एक और एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है मैं हूं सौरभ द्विवेदी और आज के हमारे जो मेहमान हैं उनका परिचय करवाऊं इससे पहले आपको बता दूं देश में 2020 का जो बरस है वो तारीख़ में आपदा के बरस के रूप में दर्ज होता है क्योंकि कोरोना महामारी फैली थी सरकारी अनुमान के मुताबिक कोरोना महामारी के चलते एक लाख उनचास हज़ार लोग मारे गए थे और उसी सरकारी अनुमान के मुताबिक हर बरस एक लाख तिहत्तर हज़ार लोग एक और चीज़ से मारे जाते हैं पर उसकी तरफ ध्यान कम जाता है ना तो उसकी वैक्सीन ना तो उसको लेके लोगों के बीच जागरूकता ये बीमारी अगर इसको हम मेटाफर के रूप में बीमारी कहें है, है रोड एक्सीडेंट रोड एक्सीडेंट में एक लाख तिहत्तर हज़ार से ज़्यादा लोग मरते हैं रोड एक्सीडेंट में सब मरते भी नहीं हैं बचते भी हैं कई और बचाने के लिए सबसे पहले रोड एक्सीडेंट में घायल हुए लोगों को लिया जाता है नज़दीकी अस्पताल और उसमें भी जो स्पेशलाइज जगह होती है जिसको कहा जाता है ट्रॉमा सेंटर इसलिए गेस्ट इन द न्यूज़ रूम में इस बार हमने बुलाया है एक विख्यात ट्रॉमा सर्जन को जो हिंदुस्तान के सबसे बड़े अस्पताल और रिसर्च सेंटर कई लोगों को लगता है कि वो सिर्फ अस्पताल है जो कि गलत है वो प्राइमरली एक रिसर्च सेंटर है जिसका हिंदी में जटिल सा नाम है अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान अंग्रेजी में उसको बोलते हैं ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज और शॉर्ट में उसको बोलते हैं एम्स हमारे साथ हैं एम्स में ट्रॉमा सर्जरी के प्रोफेसर डॉक्टर अमित गुप्ता बहुत बहुत स्वागत है सर आपका नमस्कार स्वागत डॉक्टर गुप्ता सबसे पहले तो आ, आप हमारे दर्शकों को ये बता दीजिए कि सर्जन और ट्रॉमा सर्जन में फर्क क्या होता है बुनियादी चीज़ बुनियादी चीज़ यह है कि सर्जन ट्रॉमा सर्जन भी सर्जन ही होता है और सर्जन के बाद वो ट्रेनिंग लेता है कि किस तरह से जो चोटों चोट का मरीज़ आते हैं या इंजरी के साथ जो मरीज आते हैं उनको किस तरह से जल्दी से जल्दी एडिकुएटली ट्रीट किया जाए तो ट्रामा सर्जन भी एक सर्जन ही है पर वो एक सब स्पेशलिटी या सुपर स्पेशलिटी कह सकते हैं सर्जन है नहीं नहीं उदाहरण से समझते हैं मुरारी कहाँ है? जाओ आगे आगे जैसे ये हमारे साथी हैं मुरारी अच्छा ये ट्रामा ट्रॉमा सर्जरी में गए थे इनका एक एक्सीडेंट हुआ था डिवाइडर से गाड़ी टकरा गई थी और फिर ये एम्स में ही भर्ती रहे थे तो इनको रेगुलर सर्जन ने इनका इलाज क्यों नहीं किया ट्रॉमा सर्जन ने क्यों इनका इलाज किया क्योंकि शायद ये लकी थे ये उस जगह पर थे जहाँ पर एक, एक एस्टैब्लिश ट्रामा सेंटर था और एस्टैब्लिश ट्रामा सेंटर के अंदर ट्रेन ट्रामा सर्जन थे जो कि एक कॉमन पारलेंस नहीं है हिंदुस्तान में क्योंकि अभी भी आ, बहुत सारे स्टेट गवर्नमेंट्स या मेडिकल कॉलेजेस में ट्रामा सेंटर डेवलप नहीं हुए हैं इवन मेडिकल कॉलेज में या इंस्टीट्यूट्स में जिसकी की पहल हम लोगों ने की एम्स में और एक अच्छा ट्रामा सेंटर बनाया बट वी वॉन्ट टू बी लाइक रोल मॉडल्स फॉर अदर सेंटर्स ऑल्सो तो जैसे इनको चोट लगी और ये आए वहाँ पर तो इनकी प्राथमिक चिकित्सा हुई प्राथमिक चिकित्सा के बाद ये जाना गया कि इनके साथ जो जानलेवा इंजरीज हैं वो क्या क्या हैं तो सबसे पहले उनको टैकल किया जाता है कि जो जिन इंजरीज से या जिन चोटों से किसी की भी जान जा सकती है और उसको उदाहरण से अगर सब उदाहरण अगर कोई आदमी का एक्सीडेंट हुआ है और वो लाया जाता है और वो अनकॉन्शियस है या बेहोश है तो बेहोशी की हालत में सबसे ज़्यादा कॉमन होता है जो उसका एयर पैसेज है या जो हवा जो हमारी श्वास की नली है वो ब्लॉक हो सकती है और वो ब्लॉक हो सकती है बहुत सारी चीज़ें हमारे टंग जो है पीछे जा सकता है हमारे जो पेट का जो जितना सामान है अम्ल है या एसिड है वो एस्पिरेट हो के लंग्स में जा सकता है तो उसमें हमें एयरवेक पे सबसे पहले ध्यान देना है और उसका एयरवे ठीक करना है तो Uh, मरीज सांस लेता रहे बेहोशी बिल्कुल, में बिल्कुल बेहोशी में भी मरीज सांस लेता रहे सबसे पहले उस पर ध्यान जाता है फिर सांस लेने की दूसरी प्रणाली जो होती है हमारे लंग्स जो होते हैं दूसरा ध्यान उसके ऊपर जाता है तीसरा ध्यान होता है खून का रिसाव यानी कि हेमरेज तीसरा ध्यान उस पर जाना चाहिए और किस तरह से हम आई वी लाइन लगा के उसको पहले आई वी फ्लूइड्स दें फिर आई वी फ्लूड्स के बाद ब्लड जल्दी से जल्दी ब्लड मंगाएं ब्लड बैंक से तो एक पूरी की पूरी प्रणाली है एक पूरी की पूरी सिस्टम है हॉस्पिटल के अंदर भी जो कि अगर पूरा नहीं है उसमें कहीं भी गैप्स हैं तो उसको हम ट्रॉमा सेंटर नहीं बोल सकते तो एक सिस्टमिक अप्रोच है मरीज को ट्रीट करने की न केवल प्राथमिक चिकित्सा इमरजेंसी रूम के अंदर पर उसके बाद ऑपरेशन थिएटर आई ये सब भी एक पार्ट है पूरे अच्छा, ट्रामा के तो के आपको सुन के ऐसा लग रहा है डॉक्टर साहब कि ये तो फिर चूंकि हमारे देश में जहाँ जहाँ सड़कों का जाल बिछा है तो हर नियत दूरी पर एक ट्रॉमा सेंटर अनिवार्य रूप से होना ही चाहिए जी। पर ऐसा है क्या नहीं ऐसा है नहीं और इतना जरूरी भी नहीं है कि निर्धारित दूरी पे कोई ना कोई ट्रॉमा सेंटर उस लेवल का जिस लेवल की मैं बात कर रहा हूँ बट हाँ ये जरूर होना चाहिए कि एक चोट लगने के विद इन वन आवर एक घंटे के बाद वो किसी ना किसी प्राथमिक चिकित्सा के पास चला जाए जहां पर ऐसा डॉक्टर हो जो जानता हो कि उस ए या जो जो जीवन रक्षक प्रणाली है उसको कैसे करना है और उसको स्टेबलाइज़ करके फिर वो आगे हायर सेंटर में या हमारी तरह के सेंटर में भेज सके इससे भी बहुत सारी जानें बच सकती हैं तो जरूरी नहीं है कि एक हाई लेवल का या लेवल वन का सेंटर हो हाईवेज uh, के दोनों तरफ बट हाँ ये जरूर इंश्योर uh, करना चाहिए गवर्नमेंट को कि एक छोटे लेवल का सेंटर जहाँ पर कि बेसिक सर्जरी हो सके बेसिक रजिस्ट्रेशन हो सके और उसके बाद वो रेफ़र किया जा सके स्टेबलाइज स्टेबलाइजेशन के बाद ट्रामा सर्जरी की पढ़ाई कैसे मतलब ऐसे होता है कि सब लोगों ने एम किया फिर स्पेशलाइजेशन कैसे होती है पढ़ाई तो एम में तो हमें सब कुछ बताया जाता है मेडिसिन सर्जरी बहुत सारे सब्जेक्ट्स होते हैं दो बेसिक स्ट्रीम्स होते हैं मेडिसिन के जो मॉडर्न मेडिसिन में एक फिजिशियंस वाला स्ट्रीम होता है जो सर्जरी नहीं करते हैं जो डॉक्टर दवाइयों को दवाइयाँ सिर्फ खांसी जुकाम बुखार नहीं कार्डियोलॉजी तो हाँ, हाँ जैसे कार्डियोलॉजी भी जो ब्रांच है या गैस्ट्रोनटोलॉजी जो ब्रांच है वो मेडिकल ब्रांचेज हैं इसी में अगर इन्हीं ब्रांचेज में अगर कुछ सर्जिकल की जरूरत पड़ती है सर्जरी की तो निर्धारित सर्जरी मतलब जब तक ब्लेड नहीं लग रहा है तब तक वो मेडिसिन का मामला है जी 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 जहाँ भी शल्य चिकित्सा की जरूरत पड़ेगी वहाँ सर्जरी ब्रांच होती है शल्य चिकित्सा जी है तो आपने बड़ा संस्कृत शब्द इस्तेमाल कर दिया <laughs> उसको बोलते ही अच्छा, चिकित्सा। आप मुझे एक बार बातचीत में बता रहे थे कि ये इंग्लैंड में कुछ और बोलते हैं सर्जन को क्या बोलते हैं वहाँ डॉक्टर नहीं लगाते जैसे ही सर्जन बन जाता है उसको मिस्टर बोलते हैं मिस्टर सो यू आर मिस्टर अमित गुप्ता नाउ वी वी हैव हैव बिकम मिस्टर आफ्टर बिकम सर्जन और इसकी हिस्ट्री क्या है इसकी हिस्ट्री ये है कि सर्जन uh, जो हैं वो बार्बर्स से आए जो हमारे नाई होते हैं उन जो बाल काटते हजामत बनाते हैं वो, वो कई बार आपने देखा होगा मस्से अच्छे भी निकाल देते हैं छोटे मोटे सर्जिकल प्रोसीजर भी कर देते हैं वो लोग तो उसकी हिस्ट्री यही है कि जो सर्जन अपने आप को मानते हैं वो बार्बर्स या, या जो नाई हैं उनकी वंशज तो उस चलते वो डॉक्टर नहीं लगाते वहाँ पर इंग्लैंड में वो एक बार एफ जैसे कि फेलोशिप ऑफ द रॉयल कॉलेज ऑफ सर्जन्स अगर उनको मिल जाती है वो फेलो बन जाते हैं तो वो ज़्यादा फक्र महसूस करते हैं मिस्टर बोलने में अपना नहीं नहीं ये क्या है ये तो बड़ा कुछ आपने अंग्रेजी से नाम ले दिया तो रॉयल कॉलेज हर एक हर एक नेशन के अपने प्रतिष्ठित कॉलेज हैं रॉयल कॉलेज एक बहुत प्रतिष्ठित कॉलेज है इंग्लैंड का सर्जन्स का उसमें फिजिशियंस के भी कॉलेजेज हैं सर्जन्स के भी कॉलेजेस हैं तो वो फेलोशिप देते हैं या ट्रेनिंग के बाद जैसे हमारे यहाँ एम और ये सब एम मिलता है वहाँ फेलोशिप मिलती है उस कॉलेज की अच्छा हम लोग इसके एम्स के और ट्रॉमा सर्जरी वाले पार्ट पर आएंगे पर हमारे यहाँ जैसे एक वर्टिकल है रंगरूट जिसमें बताया जाता है कि आपको कुछ भी बनना है तो कैसे बने जी तो जैसे एम्स में प्रोफेसर बनने के लिए क्या पढ़ाई करनी पड़ती है एम्स में प्रोफेसर बनने कहां के लिए? आप कहां बन मेरी पढ़ाई मेडिकल पढ़ाई तो मेरी यूपी में हुई कानपुर से शुरू किया मैंने एम बी हालांकि मैं दिल्ली में पला बढ़ा फिर उसके बाद एक उस टाइम पे ऑल इंडिया का टेस्ट हुआ करता था जी नेशनल टेस्ट हुआ करता पहले साल उसी साल हुआ तो उस साल हम क्वालिफाई किए तो हम फिर कानपुर चले गए एम करने के लिए बहुत आप ऐसे ब्लेस सा फील कर रहे होंगे मतलब दिल्ली से कानपुर बहुत ज्यादा <laughs> और अगर रेट्रोस्पेक्ट में देखूँ तो काफी ब्लेसिंग था क्यूँकि हाँ। मैं अभी उसी के बारे में डिस्कस कर रहा था कि कानपुर तो एक अलग ब्रह्मांड है एक अलग यूनिवर्स है तो थैंक यू वेरी मच तो जो आदमी चार पांच साल वहाँ रह ले वो उसको महसूस होने लगता है कि कानपुर क्या चीज है क्या चीज तो है बताइए डॉक्टर साहब बहुत निराली चीज है बिल्कुल अलग चीज है हर बात थी अट्ठासी से लेके चौरानवे तक मैं वहाँ पर उन्नीस सौ अट्ठासी तो वहाँ की अपनी यादें हैं अपने एक्सपीरियंसेस हैं बट हाँ एक कल्चरल शौक था जब मैं दिल्ली से और वो भी एक को एजुकेशनल स्कूल से पढ़ के सडनली कानपुर गया तो वहाँ डेफिनेटली कल्चरल शौक लगा नहीं नहीं आप बोले कि आप, आप यहाँ को एड स्कूल में पढ़ते थे मतलब लड़के लड़कियाँ एक साथ पढ़ते पढ़ती तो मेडिकल कॉलेज में भी तो लड़के लड़कियाँ एक साथ पढ़ते हैं हाँ पढ़ते हैं पर वहाँ पर कुछ अलग ही छटा थी थोड़ा विस्तार से बताइए डॉक्टर साहब विस्तार से ये कि जब हम पहुंचे थे तो वहाँ ऑब्वियसली गर्ल्स का हॉस्टल यूजी का और लड़कों का अलग होता है पर वहाँ लेक्चर थिएटर में भी एक लाइन बनी होती थी मतलब जो आयल के इधर लड़के बैठते थे और आई के इधर लड़कियां बैठती थी आजकल के शायद जनरेशन में वो नहीं होता है बट आपको सुनकर बड़ा आश्चर्य होगा कि उस टाइम पे वो वो जेंडर न्यूट्रलिटी इतनी जी आई सी और जी जी आई सी टाइप का माहौल था गवर्नमेंट इंटर कॉलेज बॉयज बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही था और इंटरेक्ट भी जो लड़के ज्यादा लड़कियों से करते थे उनको कुछ मतलब अलग निगाहों से देखा जाता था कैसी निगाहों से देखा मतलब वो 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 उनको बोला जाता था कि भाई ये ये तो भाई उस टाइप के हैं रोमियो टाइप के लड़के हैं या कुछ लड़कियों से बात करने मात्र हाँ, से मात्र से बिल्कुल तेज लड़का है अच्छा कई बार और... पोस्टर वोस्टो भी लग जाते थे

फिर मुर्दे का एकदम से हाथ उठ जाता है हमने सुना फिर कुछ लड़के इस चक्कर में बेहोश हो गए मर गए ऐसा हो गया कि भाई भयानक किस्म की मेडिकल कॉलेज में रैगिंग फिर वो प्रोफेसर हैं वो मुर्दे के ऐसे मुंह में उंगली डालते हैं फिर चाट लेते हैं फिर कहते हैं आप लोगों को भी यही करना है सब बच्चे कर लेते हैं फिर कहा जाता है कि नहीं देखो हमने ये वाली उंगली डाली थी इंडेक्स फिंगर लेकिन चाटी मिडिल फिंगर थी तुम लोगों को ऑब्जर्वेशन सीखना है ऐसी हमने बहुत कहानियां सुनी है सच्चाई क्या डॉक्टर ये शायद कहानियां ही है ये एक तरह से रियलिटी को एग्जैजरेट करने की कोशिश है मुझे नहीं लगता है इस तरह की रैगिंग थी कभी भी मुर्दों के साथ हो सकता है किसी ने की हो एक आध बार कहीं मेडिकल कॉलेज में तो वो में हो, तो नहीं, हमारे हो नहीं हमारे यहाँ बिल्कुल अलग टाइप की रैगिंग होती थी अब तो खैर रैगिंग बिल्कुल बंद है ज्यादातर कॉलेजेस में बिल्कुल बंद है रैगिंग बट उस समय कानपुर में स्पेशली कानपुर की तो रैगिंग फेमस थी यूपी के अंदर बताइए विस्तार से विस्तार से क्या बताएं मतलब ये ये आलम था कि Uh, कई बार हमने फर्स्ट ईयर में जब ज्वाइन किया तो पहले तो लड़के फर्स्ट ईयर में हॉस्टल ज्वाइन ही नहीं करते थे हॉस्टल में जाना ही नहीं पसंद करते थे बाहर कमरे वमरे लेके रहे ले कर रहते थे फर्स्ट ईयर में क्यों क्योंकि हॉस्टल में रैगिंग होती थी तो वो लाइन लगती थी लाइन क्या मतलब जूनियर्स को इकट्ठा किया जाता था उनको कपड़े उतार देते थे हाँ वो तो खैर नॉर्मल था कपड़े उतार देना नॉर्मल था हाँ मेडिकल ड्रेस बोलते थे उसको मतलब आपकी शर्म उतर जाए मतलब medical? ऐसा माना जाता था कि आपकी शर्म उतर जाएगी क्या बोलते थे मेडिकल मेडिकल ड्रेस ड्रेस मतलब मतलब नंगे होना मतलब <laughs> 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 फिर नहीं फिजिकल नहीं, भी होती थी मतलब इट वाज सॉर्ट ऑफ ए मेंटल टॉर्चर इन द नेम ऑफ इन द नेम ऑफ मेकिंग यू टफ या आप सब कुछ झेल सके आई थिंक uh, वो ओवर किल था ओवर डू था ऐसी नहीं होनी चाहिए बहुत फिजिकल रैगिंग भी होती थी उस समय मारपिटाई भी होती थी आ, बहुत सारी चीज़ें कराई जाती थी आप नहीं कर पाते थे तो आपको मारा जाता था तो आई थिंक uh, और हमारे शायद तीन या चार बैच बाद कुछ ऐसा हुआ जब मैं शायद इंटर्न था आ, कानपुर में कि एक हादसा हुआ जिसमें कि एक लड़का उस भय की वजह से उस डर की वजह से भागा हॉस्टल से और वो छत से कूदा इसलिए कि वो लाइन में ना लगे या वो जाए और वो नीचे गिरा और ही सस्टेंड इंजरीज और वो फिर नहीं रहा उसके बाद से फिर कानपुर में काफ़ी चेंज आया और खैर उसके बाद से तो पूरे हिंदुस्तान में अब रैगिंग जो है वो बिल्कुल इलीगल है और कोई अगर पकड़ा जाए तो भी वो रेस्टिकेट हो सकता है आई hmm. थिंक कहीं ना कहीं एक्सेस हो रही थी रैगिंग में ये माना जाता था कि अगर रैगिंग नहीं होगी तो इनका रिलेशनशिप अच्छा नहीं बनेगा बड़ी सारी भ्रांतियाँ थीं पर ये तो बहुत प्रोफेसर लोग खुद ही चाहते थे कि भाई नए लड़के आए हैं इनको जरा सिखाओ इनको जरा क्या सिखाओ, नंगे में। होना पिटना <laughs> मतलब डिसिप्लिन डिसिप्लिन करो डिस्थिप्लिन के नाम पे बहुत सारी रैगिंग होती थी कि अगर ये सब नहीं करेंगे तो वो डिसिप्लिन नहीं हो पाएंगे मेडिकल फील्ड बहुत टफ है और उसको डिसिप्लिन करना बहुत जरूरी है ये लेकिन मुझे कभी समझ में आया कि फर्ज करिए कि आप फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में आपकी रैगिंग हुई है ना फिर आप थर्ड ईयर फोर्थ ईयर तक आते हैं आप खुद उस मॉन्स्टर में कैसे तब्दील हो जाते हैं आई थिंक वो काफ़ी कुछ पर्सनल भी होता है ऐसा नहीं होता कि हर एक आदमी जिसने रैगिंग झेली है वो खुद भी रैगिंग करता है बट कुछ लोग होते हैं मतलब सिकंदर टाइप के लोग जो उस माहौल में या उस सब चीजों को झेलने के बाद फिर वो सोचते हैं कि नहीं भाई हमें ऐसे ही दूसरों के साथ भी करना है वो जो एक पूरी फिलोसफी है एक प्रोपोगंडा होता था कि भाई ये करोगे तभी वो आपके जो जो आपके जूनियर्स हैं वो ठीक लाइन पर आएंगे वो कहीं ना कहीं उनके मन के अंदर घर कर जाता है और लड़कियों की रैगिंग लड़कियों की रैगिंग के बारे मैं बहुत कि आपकी आपकी जी भी में बहुत ज्यादा फिजिकलिटी नहीं थी मारपिटाई नहीं होती थी बट हाँ उल्टे सीधी चीजें कराना दीवार पे खड़े कर देना किसी को कि जाओ छिपकली बन जाओ टाइप क्या चिपकली छिपकली छिपकली बन जाओ छिपकली एक बैच आउट भी करते हैं गर्ल्स हॉस्टल का मैंने मेरी दोस्त रहती थी तो वो बताती थी कि जैसे कोई जूनियर है अगर वो बात नहीं मान रही है तो उसको बैच आउट कर दिया जाता था बैच आउट का मतलब कोई उसे ना उसके क्लासमेट्स ना क्लास के अंदर ना हॉस्टल के अंदर कोई उससे बात नहीं बात करे नहीं कर देना है

तो ऐसा नहीं है और जहाँ तक अल्कोहल इंटेक का सवाल है आई थिंक जितनी सोसाइटी में अल्कोहल चलती है उतनी डॉक्टर सोसाइटी में भी अल्कोहल चलती है बट कोई अल्कोहल पी करके सर्जरी करे ऐसा मैंने देखा नहीं ऐसा नहीं होता तो, तो जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी क्या इसमें पूछो आपका हिपोक्रेटिक कुछ होता है तो उसमें लिखा होगा की आप अल्कोहल उसमें ये लिखा है कि आप डू नो फर्दर हार्म सो so, अगर कोई भी ऐसी चीज़ है जो आपको इन द हार्म्स वे डालती है एंड ऑब्वियसली इंटॉक्सिकेशन इज़ वन थिंग विच कैन एफेक्ट योर डिसीजन मेकिंग और अगर इमरजेंसी में है तो आपका डिसीजन मेकिंग सेकेंड्स में होना चाहिए तो अल्कोहल uh, से उस पर फ़र्क पड़ेगा तो हमें बिल्कुल ये ओथ लेनी होती है कि हम कुछ गलत नहीं करेंगे मैं अब ये जो टॉपिक आया है कीवर्ड अल्कोहल और ट्रामा सर्जरी दोनों को मिक्स कर देता हूँ हमारे देश में रोड एक्सीडेंट्स की एक बड़ी वजह यह है कि लोग शराब पी के गाड़ी चलाते हैं आ, जब ये रोड सेफ्टी वीक ये सब बनते मन, मनाए जाते हैं तब हम बहुत सुनते हैं आप ट्रॉमा सर्जन हैं आपसे कंसल्ट किया जाता है किस तरीके के रूल्स बने हैं किस तरीके के जागरूकता को लेके सब हो उस पर क्या कहेंगे हाँ कहीं ना कहीं प्रोफेशनल्स को इन्वॉल्व किया जाता है इंजरी प्रिवेंशन एस्पेक्ट्स में कुछ स्टडीज़ भी होती हैं उनमें भी हम लोग इन्वॉल्व होते हैं और आपने बिल्कुल सही कहा कि अल्कोहल या ड्रंकन ड्राइविंग जैसे बोलते हैं इट इज़ वन ऑफ द मेजर कॉजेज ऑफ एक्सीडेंट्स रोड एक्सीडेंट्स और रोड एक्सीडेंट्स ही नहीं मैं तो कहूँगा जब भी आप एल्कोहल इंटेक कर लेते हैं तो किसी भी तरह की इंजरी के लिए आप प्रोन हो जाते हैं आप सीढ़ियाँ उतर रहे हैं आपने बहुत ज़्यादा शराब पी हुई है तो आप सीढ़ियों से गिर सकते हैं वहाँ चोट लग सकती है आप ऊपर छत से गिर सकते हैं बहुत सारे केसेस हमारे यहाँ आते हैं जो बालकनी पे खड़े हुए थे और बहुत ज़्यादा पी रखी थी और लुढ़क गए तो ये सब चीजें जो हमारी साइको मोटर अटेंशन को डाइल्यूट करती हैं दे कैन कॉज चीज़ को साइको मोटर। मतलब जो जो हमारी हमारी जो दिमाग है उसी से हमारी बॉडी चलती है दिमाग जो हमारी स्किल्स एक... हैं जो हम काम करते हैं जो हम चलते हैं ये सब चीजें उनको साइको मोटर बोला जाता है इसमें दिमाग भी काम करता है और आप जो जितनी फाइन स्किल्स हैं वो साइको मोटर स्किल्स इसीलिए बोलते हैं अच्छा ये बताइए हम लोग मैं और ये हमारी सहयोगी हैं शिवानी हम लोग डिस्कस कर रहे थे एक बार आपने किस्सा सुनाया था कैसे वो एक्सीडेंट uh, के बाद आए थे उनके सरिये आर पार हो रखे थे वो क्या था मामला वो ज़रा बताएं uh, वो ऐसा था कि uh, दो ऐसे केसेस आए थे uh, पर एक जिसमें मैं इन्वॉल्व था वो uh, दो अफ्रीकन नेशनल्स थे स्टूडेंट्स थे यहाँ पर मैनेजमेंट के और वो लोग अपनी गाड़ी में जा रहे थे फोर व्हीलर कार थी और आगे एक ट्रक चल रहा था उनके जिससे सरिए बाहर निकले रहे थे और वो छोटे मोटे सरिये नहीं थे इतने इत कित, क्या बोलेंगे उसको एटलीस्ट डेढ़ दो इंच डायमीटर के सरिये थे जो कि बाहर जट आउट कर रहे थे और हुआ क्या कि वो फ्लाईओवर पे ट्रक चढ़ा तो ऑब्वियसली उसकी स्पीड कम हो गई और पीछे से ये लोग आ रहे थे इन्होंने ध्यान नहीं दिया वो गाड़ी जो है वो सरियों के थ्रू होते हुए और वो ट्रक के अंदर चली गई तो इमीडिएटली और वो जो ड्राइवर था उसके थ्रू एंड थ्रू सरिया दो सरिए एक बीच से एक वहाँ वहाँ से होते हुए छाती में पीछे से निकल गया और वो सरिया इतना तेज़ वेग में था कि वो सरिया आगे से ही नहीं, नहीं पीछे वाले जो बैठा हुआ था कंपार्टमेंट में उसके भी थाई से अंदर जला तो दोनों लोग पिंड थे जैसे हम बोलते हैं ना पिन से पिन कर देते हैं तो गाड़ी के अंदर पिंड थे पिन थे और उनको निकालना वहाँ से बहुत मुश्किल था पर वहाँ पर जो भी पुलिस वाले गए और फिर फायर वालों को बुलाया गया उनकी मैं जो प्रेजेंस ऑफ माइंड है उसको बहुत दाद देता हूँ कि उन लोगों ने उन सरियों को गाड़ी को सरियों से अलग किया कटर से काटा और पूरी पूरी गाड़ी को टो करके हमारे ट्रॉमा सेंटर ले आए तो बाकी का जितना निकालने की कोशिश नहीं की उनकी बॉडी को नहीं बॉडी को निकालने की कोशिश नहीं की वो क्योंकि वो करते तो वो डेफिनेटली ब्लीडिंग की वजह से वहां से मर जाते तो उसके बाद जब गाड़ी हमारे यहाँ आई तो हमारे कुछ रेजिडेंट्स ने वहीं पर गाड़ी के अंदर ही उनको आईवी लाइन लगाई ताकि खून का रिसाव हो तो एटलीस्ट फ्लूइड्स जाते रहें फिर गाड़ी ट्रॉमा सेंटर की पोर्च में काटी गई ऊपर छत काटा गया फिर सीट काटी गई और उनको पूरे सरिये समेत निकाला गया तो जो एक एक लड़का था उनमें से जिसके दो दो सरिये गए हुए थे उसको पूरा ला करके एंड फिर हमने करीब डेढ़ दो घंटे की सर्जरी की उसका उसकी छात्र जब से तो आप सर्जरी कर रहे तब वो उतना तो सरिया लगा हुआ था आगे हाँ, पीछे से काट दिया वो बहुत चैलेंजिंग था क्योंकि हमको बेहोश करना होता है किसी भी सर्जरी करने से पहले और वो इसी हालत में ही नहीं था वो कम से कम दो डेढ़ दो मीटर आगे और डेढ़ दो मीटर पीछे सरिए थे तो उसको लिटा करके पहले बिठा करके उसको बेहोशी दी और बिठा कर के उसको एक करवट से लिटाया और फिर जो दूसरी साइड थी उससे फिर हमने इंसीजन दे उन सरियों को अपने सामने निकाला तो एक काफ़ी इंटरेस्टिंग केस था बहुत चर्चा में भी रहा मीडिया में भी चर्चा में रहा काफ़ी तो हम बचा पाए उसको और उसको करीब करीब आई थिंक पचास यूनिट खून जब तक वो डिस्चार्ज हुआ मतलब आई और पहले मिला करके के दिया गया और जब वो यहाँ से गया वापस वो एक कंट्री है कोदे अफ्रीका में वहाँ का नागरिक था आइवरी कोस्ट जिसे बोलते हैं जब वो वापस गया तो क्या उसका एक स्टेटमेंट था कि अब मैं पूर्णतः हिंदुस्तानी हूँ क्योंकि अब सारा का सारा खून मेरा जो है वो वो बदल के अब हिंदुस्तानी खून हो गया है जस्ट सर तो, तो, तो ये तो डॉक्टर साहब ऐसी कहानी है जिस पर आपने बचा लिया हम लोगों के सामने कोई गुजर जाता है या ख़बर आती है तो हम गमगीन हो जाते हैं पर आपके सामने तो आपका पेशा ऐसा है कि ऑपरेशन टेबल पर कई लोग गुजर जाते होंगे जी डॉक्टर्स इस चीज़ से कैसे डील करते हैं मतलब जैसे पत्रकार है ख़बर आई लिखा इतने मरे इतने घायल हम अपने आप को इमोशनली उसमें इन्वेस्ट नहीं करते हैं सामने होता है तब भी हमें बहुत अपने आप कंट्रोल करना पड़ता है जैसे कोविड में हमारी टीम रिपोर्टिंग लिखी पर आपको ये रोज़ फेस करना होता है इसीलिए जो सर्जन्स की लाइफ है या डॉक्टर्स की लाइफ है स्पेशली जो इमरजेंसी में काम करें काफ़ी स्ट्रेसफुल लाइफ होती है इट्स नॉट ए ईजी लाइफ आपको डेली लाइफ भी देनी है पर एट द सेम टाइम आपके सामने जैसे आपने बताया मृत्यु भी हो रही है तो कहीं कही ना कहीं वो बैलेंस बना के रखना पड़ता है अपने दिमाग का एंड इसीलिए हमको प्रोफेशनल्स बोला जाता है वी वह ट्रेंड सो वो कहीं कही ना कहीं ट्रेनिंग का पार्ट धीरे 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 करके आपके मन करता है बट ये कहना भी गलत होगा कि हम लोग ब्लंट हो जाते हैं अगर हम ब्लंट हो जाएं तो फिर हमारी जो 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 कोशिशें हैं किसी को बचाने की वो भी एक तरह से बहुत साइंटिफिक हो जाएंगी बहुत पर ऐसा नहीं होता है कहीं ना कहीं वो एक मन में रहता है कि नहीं भी हमें इसकी जान बचानी है तो इट्स इट्स ए टफ जॉब दिमाग को और दिल को किस तरह से उस समन्वय में रखा जाए थोड़ा सा टफ़ होता है वो जो एक फ़िल्म आई थी मुन्ना भाई एम उसमें बमन ईरानी प्रिंसिपल होते हैं उनका किरदार कहता है कि आपको किसी भी मरीज़ के साथ इमोशनली अटैच नहीं होना है और मुन्ना कहता है कि होना है तो असल में क्या होता है आप नहीं वो द्वंद्व है आ, विच, वैचारिक द्वंद है कई लोगों हम ऑब्वियसली इतने इमोशनली इन्वेस्ट नहीं हो सकते किसी में भी कि उसको पर्सनल ले लें आ, बट हाँ कहीं ना कहीं एज अ डॉक्टर एंड पेशेंट वो एक रिलेशनशिप कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन से इस्टब्लिश करनी पड़ती है और जो कि काफ़ी लैकिंग है इसीलिए प्रॉब्लम्स हो रही हैं डॉक्टर्स और पेशेंट्स के बीच में आजकल आपने देखा होगा बहुत ज़्यादा वायलेंट इंसिडेंट्स हैं लोग बाग मारपीट हो जाती है मारपीट हो जाती है।, है उसके मल्टीपल कारण हैं एक तो लोगों की एक्सपेक्टेशंस बढ़ गई हैं डॉक्टर्स से और हमारे सिस्टम्स उतनी तरह अप नहीं हैं कि हम उस तरह से मरीज़ों का ख्याल रख सकें पर सबसे बड़ा कारण जो मुझे लगता है जो हम लोग खुद इं इंट्रोस्पेक्ट करें अगर डॉक्टर्स की तरह तो कहीं ना कहीं हमारी ट्रेनिंग में वो वो कही ना कही वो सॉफ्ट स्किल्स या कम्युनिकेशन स्किल्स जिन्हें बोलते हैं वो कहीं ना कहीं हमारे यहाँ लैकिंग थी हालांकि वो नए

कई कई बड़े अक्खड़ से डॉक्टर्स होते हैं अरे यहाँ कैसे आ गए बाहर करो ये करो करो और कई डॉक्टर्स होते हैं जो बड़े प्रेम से बात करते हैं और हमारे दादाजी तो ये कहा करते थे कि उस डॉक्टर की दुकान खूब चलती है जो सिर्फ मीठी गोली ना दे जिसकी जबान में मिठास हो आराम से बात करे आपके साथ बहुत इम्पैथी दिखाए अच्छा बाहू जी बैठिए क्या तकलीफ़ है माता जी क्या हो गया पैसा नहीं आपका कहना बिल्कुल ठीक है और कही न कहीं ना कहीं वी लॉस्ट इट हमने उसको ना मेडिकल साइंसिस बना दिया ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट मेडिकल साइंस या मेडिकल साइंसेज बना दिया जहाँ भी साइंस आ जाता है वहाँ आर्ट नहीं रहती आर्ट्स मेरा मतलब ह्यूमैनिटीज जो आर्ट सब्जेक्ट होता है ना आप सब लोग पढ़े होंगे या देखा होगा तो कहीं ना कहीं वो ह्यूमैनिटेरियन टच जो था करिकुलम से वो बिल्कुल चला गया हम लोगों ने उनको अच्छा डॉक्टर बना दिया इन टर्म्स ऑफ साइंटिफिक नॉलेज टेक्नोलॉजी सब कुछ बट कहीं ना कहीं हमने उनको अच्छा डॉक्टर इन टर्म्स ऑफ यू नो सॉर्ट ऑफ ह्यूमन बीइंग नहीं सिखाया तो वो कहीं कही ना कहीं बहुत एसेंशियल था हाय सो माय क्वेश्चन इज के मतलब आपके पर्सनल एक्सपीरियंस से जुड़ा हुआ है मेरा सवाल कि आप कभी के किसी भी केस को लेके कभी वलनरेबल हुए हैं या हैव यू बीन एवर इफेक्टेड ये कहना बहुत गलत होगा कि मैं नहीं हुआ हूँ और ऐसे कभी ना कभी कोई ना कोई, कोई केसेस रहते हैं जब आप uh, इन्वेस्ट uh, हो जाते हैं उस केस में स्पेशली जहां आपने बहुत कोशिश की होती है uh, और कोई अन टूवर्ड आउटकम निकलता है uh, तो हाँ होता है ऐसा कभी कभी होता है फिर आपको कंट्रोल करना पड़ता है अपने आप को एंड हाउ डू डू यू दैट मेडिटेशन म्यूजिक नहीं आई थिंक फैमिली थिंकली हाँ वो वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप कहीं ना कहीं और ऑल स्ट्रेसफुल जॉब्स में ये जरूर होना चाहिए कि एक मी टाइम या ऑफ टाइम ऑफ हॉस्पिटल टाइम को आप कैसे यूटिलाइज करें वो बहुत ज़रूरी है मेरे मेरे साथ ये है कि मैं मेरे को मूवीज़ देखना बहुत पसंद है म्यूज़िक सुनना अब पढ़ता भी हूँ कुछ कुछ नॉन मेडिकल नॉन मेडिकल लिटरेचर क्योंकि मेडिकल लिटरेचर तो सभी लोग पढ़ते हैं तो अपनी अपनी तरीके बनाने पड़ते हैं अपने क्वेश्चन बनाने पड़ते हैं इमोशनल क्वेश्चन कि किस तरह से उसको आप डील करेंगे हम लोग ना ऐसे समाज में बहुत देखते हैं कि भाई साहब क्या करते हैं या बहन जी साहब फौज में हैं पापा क्या करते थे वो भी फ़ौज में थे दादा क्या करते थे वो भी फ़ौज में है डॉक्टरों में भी हमने सीए में बहुत देखा और डॉक्टरों में बहुत देखा है आपके केस में भी ऐसा है आपके पिताजी भी एम्स में प्रोफेसर थे और आपकी बेटी भी डॉक्टरी की पढ़ाई कर रही है तो क्या आप लोगों को प्रेशर रहता है यार डॉक्टर तो बनना ही है नहीं नहीं बिल्कुल बिल्कुल प्रेशर नहीं रहता है और स्पेशली आपने मेरे केस का जिक्र किया तो मेरे को तो बिल्कुल प्रेशर नहीं था मेरे फादर एक्चुअली थे ज़रूर प्रोफेसर मेडिकल कॉलेज में बट वो डॉक्टर नहीं थे वो साइकोलॉजिस्ट हैं न्यूरोसाइकोलॉजिस्ट हैं ओके तो ही वॉज मोर ऑफ फ्रॉम द ह्यूमैनिटीज साइड एंड देन केविन टू क्लिनिकल साइकोलॉजी जो कि मेडिकल साइकोलॉजी बोल सकते हैं जैसे uh, मुझे प्रेशर बिल्कुल नहीं था पर उन दिनों में क्या चक्कर था कि उन दिनों में आपने अगर साइंस की वो भी बायो के साथ तो आपके पास ऑप्शंस जो हैं वो बहुत नैरो हो जाते थे hmm. मतलब कोई ये नहीं समझता था कि बायो करने के बाद कोई आदमी प्योर साइंटिस्ट भी बन सकता है बायोटेक्नोलॉजी में भी जा सकता है uh, या या कुछ और भी कर सकता है इंजीनियरिंग uh, या आपने साइंस ली तो या तो इंजीनियरिंग करनी है या डॉक्टरी करनी है आपको वो एक बड़ा वो था जो आज लाइफ साइंस एनवायरमेंट साइंस बायोटेक ये सब ये सब रिसेंटली दस पंद्रह साल में आए हैं उस जमाने में बिल्कुल नहीं था बिल्कुल नहीं था कोई जानता भी नहीं था अब आ, अब आज की तारीख में जो है वो साइंस करके इंजीनियरिंग करके बैंक मैनेजर हैं मतलब बैंक में मैनेजमेंट करके और बैंक के मैनेजर बने हुए उस तरह की जो ओपननेस थी वो करिकुलम में नहीं थी और हमारे साथ मेडिकल में आज भी आज की तारीख़ में भी इंजीनियरिंग करके लोग बाग बहुत सारी चीज़ें कर रहे हैं Hmm. कोई आदमी किताब लिख रहा है कोई आदमी पिक्चरें बना रहा है बट मेडिकल साइंस में क्या है अभी भी जो लोग ज्वाइन करते हैं एज डॉक्टर्स नाइन्टी फाइव परसेंट ऑफ देम वुड बिकम डॉक्टर्स ओनली दे डोंट चेंज देयर स्ट्रीम बहुत कम बदलते हैं हाँ तो कहीं ना कहीं हमने वो संकुचित कर दिया है हालांकि अब उस पर पहल हो रही है कि उनको भी मैनेजर्स बनाया जाए भाई हेल्थ मैनेजमेंट इज ए ब्रांच इन इट सेल्फ और कुछ लोग अपने आप छोड़ देते हैं जब उनसे डॉक्टरी नहीं होती तो कहते हैं, कुछ एक एक, हैं। एक अंग्रेजी की सीरीज़ है ब्लू ब्लड उसमें बहुत सारे पुलिस वाले होते हैं पिताजी भी पुलिस वाले बेटा भी पुलिस वाला ऐसे तो वो लोग ऐसे डिनर टेबल पे पुलिस की भी बातें करते हैं फिर जो घर की महिलाएँ वो टोकती हैं जो पुलिस में नहीं है कुछ महिलाएं भी पुलिस में थी तो आप लोग जैसे सब लोग डॉक्टर हो आपकी वाइफ भी डॉक्टर हैं तो आप लोग ऐसे मेडिकल की बातें करते रहते हो घर पर काफ़ी हद तक आप सही हैं कि काफ़ी जो बातचीत है फोर्टी फिफ्टी वो होती है बट हम कोशिश करते हैं कि हम ना करें स्पेशली जब बच्चे बड़े हो रहे थे हम कोशिश करते थे कि उनके सामने बहुत ज़्यादा अस्पताल की और मेडिकल uh, की बात नहीं होती बट हाँ आई एम श्योर बहुत सारी फैमिलीज जिनमें बहुत सारे डॉक्टर्स होते हैं उनमें कहीं ना कहीं पेशें, पेशेंट पेशेंट के क्या हुआ आज क्या हुआ ये अल्टीमेटली दिन भर में क्या हुआ वो डिस्कस कर, अगर करेंगे तो घूम फिर के अस्पताल और पेशेंट्स की बात आएंगी और सुई भी लगा देते हैं ऐसे ही घर पर मैं ये जानना चाहता हूँ कि जैसे आई हैव बीन ट्रेंड एज ए जर्नलिस्ट तो मैं सड़क पर चलते हुए कोई भी इश्तिहार देखता हूँ तो सबसे पहले मेरी नज़र टाइपो पर जाती है कि कोई वर्तनी की गलती तो नहीं है फिर मैं देखता हूँ कि अच्छा फॉन्ट का डिज़ाइन कैसा है क्योंकि हमारी ट्रेनिंग वैसी है कलर कैसा है प्लेसमेंट कैसा है अखबार पढ़ते हैं या कुछ भी कुछ लैया भी खा रहे हैं तो पढ़ने लगे तो आप लोगों को ऐसा होता है किसी को जरा दर्द हो रहा है तो ऐसे दिमाग अच्छा है, इसको ये बीमारी तो नहीं ये बीमारी तो ऐसे करके एकदम पूरी एल्गो रन होने लगती हो वो एल्गो रन होती है जब तक आप एम बी बी एस के स्टूडेंट होते हैं और एम के स्टूडेंट जब होते हैं ना आपको अपने ऊपर भी जो सिम्टम आ रहा होता है ना जैसे जरासी खांसी भी हो गई तो जितनी डिफरेंशियल डायग्नोसिस आपने पढ़ी होती है ना कि मतलब ये चीजें हो सकती है, वो सब आपको लगने है कि मुझे ही है वो एक सिंड्रोम बोलते हैं क्या श्वेता हाँ। हाँ। है वो बीमारी जो है अपने में दिखने लगती है कि शायद वही बीमारी है वो बहुत कॉमन है मेडिकल स्टूडेंट्स में एमबीबीएस के तरह हाँ हाँ आजकल तो हाँ गूगल हाँ है आजकल तो गूगल है जैसे ठीक भी है या कोई दाना हो गया तो हम गूगल पे सर्च करते हैं कि ये है क्या फिर उसके बाद और इट लीड्स टू कैंसर, तो कैंसर।, कैंसर। सीधा सब बीमारी कैंसर बनती है हाँ वो डर वही लगता है कि ये कहीं कैंसर में तो नहीं बदल जाएगा ये इसके तो सिम्टम कुछ लोग को तो यहाँ दर्द होता है उनको लगता है हार्ट अटैक कुछ लोग यहाँ दर्द होता है उनको लगता है फिर वो छुट्टी भी लेते हैं ग्रुप पे मैसेज डाल के बहुत लोग ऐसे मेरा एक सीरियस सवाल है हाँ कुछ बहुत जैसे सीरियस बातें हो मेरे एक, एक जोड़ देता हूँ मैं भी कि आपने एम की बात की और तमाम पढ़ाइयों की बात की ये जो राइटिंग आप लोग की रहती है डॉक्टरों की उसकी डिग्री कहाँ से मिलती है <laughs> <laughs> डॉक्टर साहब ये बताइए ना ये डॉक्टर्स की राइटिंग को लेके बड़े चुटकुले बनते हैं नहीं कुछ तो कुछ तो डेफिनेटली है और कुछ उसका मजाक भी बना दिया गया है ज़्यादा बट हाँ इम्पोर्टेंट क्यों है क्योंकि जब आप कोई चीज़ लिखते हैं तो वो एलिजिबल होना चाहिए और दूसरे आदमी को भी समझ में आना चाहिए ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप आपके कंपाउंडर को समझ में आप आदा हाँ हाँ एग्जैक्टली नहीं डेफिनेटली कहीं ना कहीं क्योंकि ये इतना इंपॉर्टेंट है कि जो चीज़ आप लिख रहे हैं वो सही तरह से फार्मासिस्ट को या जहाँ से आप दवाई खरीद रहे हैं उसको ट्रांसमिट हो और सही दवा दे तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं तो है पर आपने सही बताया इसको एन में बात की जाएगी कि एक आध कोर्स जो है वो कर्से राइटिंग का दोबारा से कराया जाए एम बी बी एस बताऊँ भाई साहब आपके एम्स में ही वो पलनरी साइंस का डिपार्टमेंट है हमारे तो भाई साहब वहाँ भर्ती थे हम गए तो मैं उनकी हिस्ट्री देख रहा था पूरी जो इतनी खूबसूरत हैंड राइटिंग तो मुझे शक हुआ ये किसने डॉक्टर है या जो हेल्पिंग स्टाफ है उसने तो मैं थोड़ी देर रुका रहा मैं इनका अब इस पर देखता हूँ अगला पैरा कौन लिखता है थोड़ी देर राउंड राउंड पूरा हुआ तो डॉक्टर लिख रहा था बहुत खूबसूरत मैंने उनको कॉम्प्लीमेंट दिया पर वो रूखे डॉक्टर थे आप लोगों को एक केस दिया है क्या? नहीं। तो हम लोगों ने फिल्मों में देखा कि डॉक्टर साहब ना ऐसे ब्रीफ केस लेके आते हैं हमेशा एक आप लेके नहीं आए ब्रीफ केस नहीं ब्रीफ केस रहता नहीं है नहीं मिलता है डिग्री मिलती है वो भी एक साल बाद एक साल बाद क्यों मतलब वो प्रोविजनल मिल जाती है जो एक्चुअल यूनिवर्सिटी की डिग्री होती है वो कन्वकेशन में मिलती है और वो जो फिल्मों में दिखाते हैं कैसे गाँव में जो आते हैं डॉक्टर्स, वो लेके आते हैं फिल्मों में क्योंकि अगर आप होम विजिट के लिए जा रहे हैं तो ऐसा हो सकता है आपको चार पांच चीज़ों की ज़रूरत पड़े आपको स्टेथोस्कोप की ज़रूरत पड़े आपको टॉर्च की जरूरत पड़े एग्जामिन करने के लिए तो वो कन्वीनियंट है कि किसी एक बक्से में अटैची में या कहीं उसमें थैले में ले जाएँ और वो थैला शायद अच्छा नहीं लगता होगा उनको इसलिए अटैची ले जाता और वो जो दिखाते हैं कि ऐसे बरसात हो रही है और एक बच्चा भागता हुआ पहुंचता हुआ कहता है जल्दी चलो डॉक्टर साहब मेरी माँ को बचा लो इस तरह से तो इस तरीके की कभी आप लोगों के सामने सिचुएशन आई है मेरे सामने नहीं आई क्योंकि मैं शायद उस उस बिलियों में या उस एनवायरनमेंट में काम नहीं करता हूं बट हो सकता है ऐसा होता हो जहां पर छोटी जगह है एक दूसरे को लोग बात जानते हैं बट हाँ डेफिनेटली फ़ोन कॉल्स आजकल ज़रूर आती हैं कि हमको परेशानी है और क्या करा जाए अस्पताल जाया जाए नहीं जाया जाए जाया जाए तो कौन से अस्पताल जाया जाए किसको दिखाया जाए और ऑड आर्ट्स में भी आते हैं फ़ोन तो वो एग्जैक्टली exactly वो वाला सीन कि मेरी माँ बीमार है आप चलिए वो तो नहीं होता बट उसकी तरह के बहुत सारे एडवाइस और आपने कभी वो डायलॉग मारा है कि अब इन्हें दवा की नहीं दुआ की ज़रूरत है नहीं ऑन और सीरियस नोट कन्वेइंग ब्रेकिंग बैड न्यूज़ बोलते हैं हमारे उसमें पार्लेंस में उसकी एक पूरी वर्कशॉप करते हैं मैं भी करता हूँ कि किस तरह से बैड न्यूज़ ब्रेक की जाए अटेंडेंस को बिकॉज इट्स ए इट्स ए प्रोसेस इट्स ए कम्युनिकेशन प्रोसेस विच हैज़ टू अंडर गो बट आपने सही बोला कि दवा की नहीं दुआ की जरूरत है ऐसे बहुत बार बोलने को मिलता है बट नॉट एग्जैक्टली दिस डायलॉग बट हाँ यू आर इन ए सिचुएशन की जहाँ पर आप रियली में सब कुछ सारे ऑप्शनस जो है आपने कर दिए हैं और फिर भी पेशेंट इम्प्रूव नहीं कर रहा है आई सी यू में है या उसको ऐसी बीमारी है कि जहाँ आपको पता है कि बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज इन्वेस्ट करने के बाद भी पेशेंट नहीं बच पाएगा तो बिल्कुल डिस्कस करना पड़ता है फैमिली के साथ डिस्कस करना पड़ता है इट्स अ डिफ़िकल्ट जॉब बट यू हैव टू वेट 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 हमको गिल्ट होगा अगर माइक तुम्हारे पास नहीं हुआ और तुमने सवाल पूछ लिया जी सर उस टाइम आपको गिल्ट होता है कि मैं इसे नहीं बचा पाया या फिर अगर कोई मर गया उसके बाद भी आपको लगता है कि मैं कुछ और कर सकता था शायद नहीं टू बी वेरी फ्रैंक वो गिल्ट होता भी नहीं और रखना भी नहीं चाहिए बिकॉज देन इट विल कॉज लॉट ऑफ प्रॉब्लम विलू योर सेल्फ बिकॉज आप जानते हैं कि आप सब कुछ कर रहे हैं देखिए ऐसा नहीं है कि हर एक आदमी हर चीज़ कर सकता है बट अपनी एबिलिटी के हिसाब से उसने पूरा परफॉर्म किया अगर वो सेटिस्फाइड है तो गिल्ट किस बात का और परिवार परिवार वाले जैसे परिवार वाले भी फिर नहीं वो टैकल करना पड़ता है उसके लिए कम्युनिकेशन मेथडोलॉजीज है जो हमको अडोप्ट करनी पड़ती है उनकी बात सुननी पड़ती है पूरी फिर उनको समझाना पड़ता है की एक्चुअली में आपके पेशेंट को क्या है और uh, जो वर्ल्ड लिटरेचर या मेडिकल साइंस बोलती है उसमें कितना परसेंट चांस है आज की तारीख में तो वो पूरा एक 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 यू नो सॉर्ट ऑफ डिसीजन लेना पड़ता है फैमिली के साथ सर uh, uh, ऋतिक रोशन की मूवी थी सुपर 30, तो उसमें एक डायलॉग है अब राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा और जो फीस होती है इस स्ट्रीम में मेडिकल स्ट्रीम में जो डॉक्टर बनना चाहते हैं हमने देखा यूक्रेन रशिया में जो हुआ इतने सारे स्टूडेंट्स वहाँ पर थे तो उसका एक रीजन शायद फीस था कि वो लोग वहां पर जाते हैं पढ़ने तो मेडिकल mm -hmm. तो में फीस बहुत ज्यादा होती है क्या सेल्फ फाइनेंसिंग कॉलेजेस या प्राइवेट कॉलेजेस जिन्हें बोलते हैं उसमें डेफिनेटली फ़ीस होती है uh, पर धीरे धीरे करके सरकार कोशिश कर रही है कि उनमें भी एक कैपिंग हो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज भी एक लेवल से ज़्यादा फ़ीस ना चार्ज कर सकें पहले ज़माने में जब हम लोग थे उस टाइम के जो मेडिकल कॉलेजेस uh, थे वहाँ तो इम्पॉसिबल था क्योंकि एक कैपिटेशन फ़ी या जिसे डोनेशन बोलते हैं वो भी होता था अब सरकार ने कम से कम इतना कर दिया है कि वो डोनेशन पार्ट बिल्कुल हट गया है किसी को कोई डोनेशन या 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 कैपिटेशन फीस नहीं देनी है ऑल दे हैव टू गिव इज फीस और वो उसको भी अब सरकार कोशिश कर रही है कि उसको मैनेजेबल करे बट डेफिनेटली प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में फ़ीस एक एवरेज फैमिली नहीं अफोर्ड कर सकती उसी के लिए सरकार कोशिश कर रही है कि जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस हैं उनके नंबर बढ़ाए जाएँ आप इमेजिन uh, करके देखिए जब हम गए थे उत्तर प्रदेश में सात मेडिकल कॉलेजेस थे सेवन और आज की तारीख में उत्तर प्रदेश में कम से कम पचपन मेडिकल कॉलेज हैं पचास तो हैं ही सर है। तो सरकार भी कोशिश कर रही है कि मेडिकल कॉलेज का नंबर बढ़े ताकि जो कैंडिडेट्स हैं जो चाहते हैं डॉ डौक... और डॉक्टरों की कमी है इस वजह से भी आ, सरकार चाहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा डॉक्टर निकलें तो वही है डिमांड एंड सप्लाई पे है अगर सप्लाई बढ़ जाएगी तो और या डिमांड कम हो जाएगी तो कैपिटेशन फ़ी या फीस अपने आप कम हो जाएगी ठीक है हाँ 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 आ रहा हूँ आ रहा सवाल सर मेरे दो सवाल हैं आपसे पूछो सर पहला सवाल 2006 का है डॉक्टर मुन्ना भाई छ का कि डॉक्टर नहीं टाइटल <laughs> सर बनना तो जाता है कि मरने की हालत आदमी मरने की हालत में है तो फॉर्म भरना जरूरी है क्या सर मैं ये सवाल इसलिए पूछ रहा हूँ कि अभी मतलब हम लोग में से कई लोग ऐसे होंगे जो ट्रामा सेंटर तक नहीं गए होंगे अपने किसी परिचित को लेकर या तो क्या प्रोसीजर होती है सर इसमें अच्छा अभी भी क्या फॉर्म वगैरह ये मतलब ये फॉर्मेलिटीज़ होती हैं नहीं आई थिंक वो एक 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 गलत कॉन्सेप्ट को दिखाया गया वहाँ पर मुझे प्राइवेट हॉस्पिटल्स का तो नहीं पता बट डेफिनेटली गवर्नमेंट हॉस्पिटल में अगर आप किसी इमरजेंसी में गए इवन प्राइवेट हॉस्पिटल्स में भी अगर किसी इमरजेंसी में गए हैं और और डॉक्टर देखता है और आपको इमिडिएट केयर की ज़रूरत है तो केयर पहले आती है कागज़ बनना फॉर्म भरना पर्चा भरना सरकारी अस्पतालों में तो कोई पैसा लेता नहीं है और अगर प्राइवेट हॉस्पिटल कोई पैसा लेता भी है वो बाद की बात है वो बाद में आता है एक सवाल और है सर कि मान लीजिए हमारे पास किसी परिजित का फ़ोन है कि दुर्घटना हो गई है या सर पे चोट लग गई है तो कई मामलों में हम ये भी देखते हैं कि अस्पताल पहुंचते पहुंचते आदमी ख़त्म हो जाता है तो आसपास अस्पताल नहीं है या ऐसी कोई सुविधा नहीं है कि ट्रामा सेंटर तक ले जाया जाए उन्हें तो उस हालत में तुरंत क्या करना चाहिए मान लीजिए कोई अकेला है फंस गया उसके साथी को चोट लगी है सर सर वाली चोट बहुत खतरनाक मानी आती है और अगर जैसे हम लोग कई बार सड़क पे गुजर रहे होते हैं डॉक्टर साहब तो देखते हैं कि एक्सीडेंट हुआ पड़ा है ना बाइक से नीचे गिरा है कुछ ला है नहीं कुछ लाए वट शुड वी डू एज सिटीजन नहीं आपने बहुत अच्छा ये क्वेश्चन किया और इसका बेसिक आंसर ये है कि क्योंकि हमारे पास बहुत ज़्यादा एम्बुलेंस सर्विसेज सुचारू नहीं है और एकदम से कॉल करने के बाद एम्बुलेंस आती भी नहीं है तो एक एक कॉमन मैन जो है हमेशा इस पशोपेश में रहता है कि मुझे करना क्या चाहिए तो डेफ़िनेटली सबसे पहला तो ये काम करना चाहिए कि आप अपने आप को और जो एरिया वहाँ पर है उसको सेफ़ करें और जो घायल व्यक्ति है उसको सड़क के बीच से अगर वो बीच में है तो सही प्रणाली से उसको ताकि उसकी स्पाइन या गर्दन मूव ना करे उसको एक कॉर्नर में ले जाएं और फ़ोन करें सबसे पहले कॉल फॉर हेल्प देखिए अकेले आदमी एक मल्टीपल ट्रॉमा के पेशेंट्स को नहीं टैकल कर सकता और वो करने की कोशिश करेगा तो कुछ ना कुछ ऐसी इंजरी कर देगा जो सेकेंडरी इंजरी जिसे हम बोलते हैं कि प्राइमरीली तो एक इंजरी हो गई पर उसको हिलाने के चक्कर में कुछ ना कुछ ऐसी इंजरी और हो जाएंगी जिससे शायद वो उभर ना पाए तो बजाय इसके कि आप बहुत ज़्यादा एक्साइट होकर कुछ करें हाँ डेफिनेटली दो चीज़ें मैं ज़रूर बोलूँगा यहाँ पर कि अगर आपको बाहरी खून का रिसाव दिखाई दे रहा है और वो ब्लड लूज़ कर रहा है तो कुछ भी आपके हाथ में है चाहे वो चुन्नी हो रुमाल हो हाथ के लिए तो रुमाल भी चल जाएगा कस के उसको बांध दें और कोशिश करें कि जब तक टाइट करते रहें जब तक कि वो खून का रिसाव हाथ से सर की चोट से या पैर से बंद ना हो जाए क्योंकि ब्लीडिंग जो है या हेमरेज वन ऑफ द मोस्ट प्रिवेंटेबल कॉजेज़ हैं वर्ल्ड वाइड जो डेथ्स होती हैं ट्रामा की वो हेमरेज कंट्रोल ज़्यादा खून बह जाने से ज़्यादा खून बह जाने से प्रिवेंटेबल कॉज जो कॉज सबसे ज़्यादा डेथ कर, करता है वो हेड इंजरीज हैं इसीलिए हम बोलते हैं हेलमेट वैक्सीन जो सौरभ ने जिक्र किया कोई वैक्सीन नहीं है नहीं है हमारे यहाँ साउथ ईस्ट एशिया में और हिंदुस्तान में मोटराइज टू व्हीलर से जितने लोग मरते हैं उतने गाड़ियों में नहीं मरते हैं आज हम बात कर रहे हैं फोर व्हीलर्स की बेल्ट्स की और सेफ्टी इन फोर व्हीलर्स की हमारे यहाँ फोर व्हीलर्स के अंदर इतनी जाने नहीं जाती हैं जितनी मोटराइज टू व्हीलर या मोटरसाइकिल या साइकिल या पेडेस्ट्रियंस इनको वनरेबल रोड यूजर्स बोला जाता है बिकॉज ये रोड यूजर्स ऐसे हैं जिनके पास कोई प्रोटेक्शन नहीं है पेडेस्टेंस बहुत सारे पेडेस्टेंस को गाड़ी रोनते हुए चली जाती है सड़क क्रॉस कर रहा है पेडेस्टेंट तेज़ गाड़ी आई मारती हुई चली गई आम है ये बिल्कुल कॉमन है रोज कम से कम तीन से चार लोग मोटराइज टू व्हीलर पेडेस्टेंट्स या बाईसाइकलिस्ट्स इस पर हमें ध्यान देना है और इसका एक बड़ा कारण है क्योंकि वो प्रोटेक्टेड नहीं होता है वो गिरता है हेलमेट लगाया नहीं होता और सर की चोट से आदमी मर जाता है तो सिंपली मैं ये कहना चाहूँगा सबको कि हेलमेट अवश्य इसलिए हाँ अच्छी नहीं, क्वालिटी के, आ, अच्छी के और ठीक से बांधें क्योंकि कई लोग ऐसी धर लेते हैं तो जैसे ही वो गिरते हैं वो हेलमेट अलग हो जाता है तो ये ये बहुत ज़रूरी है कौन जा रहा था अभी इसी टीम में कोई था जो स्कूटी से जा रहा था फिर मैंने रोक के कौन था नेहा नहीं नेहा को तो मैंने हेलमेट गिफ्ट किया था ये हाँ मानसी थी ये हमारी टीम में ये स्कूटी से जा रही है और हेलमेट धरा हुआ है भीतर इनको रोक के हमने हेलमेट पहनवाया हाँ। अब बेटा अब तो तुम्हारे पापा मम्मी को ही पता चल जाएगा हेलमेट भी घूमती मूवीज या टीवी वगैरह हम देखते हैं कि जब एक्सीडेंट होता है किसी को खून वगैरह आ रहा होता है, चलांड है।, चलांड है। तो वो उनको बोला जाता है कि आ, आ, सोना नहीं है सोना नहीं है बेहोश नहीं होना है सोने नहीं देना है तो क्या एक्चुअली ऐसे करना चाहिए अगर कोई या पानी वानी पिलाना चाहिए नहीं पिलाना चाहिए आ, क्या उसका सिस्टम हाँ तो तो अगर कोई ऐसा है जो बेहोशी में जा रहा है तो जगाओ ना जगाओ उसका उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा टू बी वेरी फ्रैंक मेडिकली स्पीकिंग अगर उसको बेहोश होना होगा थोड़ी देर बाद तो वो होगा अगर उसका दिमाग सुन है या दिमाग के अंदर गहरी चोट है तो अगर उसको अनकॉन्शियस होना होगा वो हो होगा ही होगा ठीक है बट कोई भी चीज़ जैसे सौरभ ने बोला मुँह से देना खतरा हो सकता है क्योंकि जैसे ही आप मुँह से देंगे और वो पेशेंट अपनी पूरी कॉन्शियसनेस में नहीं आप ही के साथ कई बार होता होगा कि जब आप कई बार तेज़ से पानी पी लेते हैं कुछ होते हैं एकदम से खांसी आती है खांसी हमारा प्रोटेक्टिव रिस्पॉन्स है कि हम जो पानी लंग्स में जा रहा है उसको रोक सकें पर अनकॉन्शियस पेशेंट में वो नहीं होता वो तो पानी सीधे लंग्स में जाता जाओ है जाओ और लोगों को भी पूछो जाते वजह से नहीं इसी के आगे का मेरा सवाल है कि फिल्मों से मतलब अगर ये फिल्मों की बात करें तो फिल्मों से ऐसी कौन सी भ्रांतियाँ आ गई हैं कि लोग ऐसा कर देते हैं आपके सामने भी ऐसा आता हो या इन जनरल भी एक्सीडेंट के मामलों में जो अक्सर आपके सामने आता हो और आप कहते हो ये तो नहीं करना था और सामने से आता हो हमने ऐसा देखा है या हमको कहीं से ऐसा लगा कि ऐसा करना चाहिए एक्सीडेंट्स के मामले में सबसे कॉमन तो यह है कि हीरो हीरोइन को बिना हेलमेट के दिखाया जाता है टू व्हीलर्स पे वो एक तरह से एक फैशन स्टेटमेंट है हेलमेट पहन लेंगे तो कुछ I think वो, वो एक चीज़ है जो फिल्मों में बिल्कुल सुधारनी चाहिए और धीरे धीरे पहले हेलमेट आपने जिस फिल्म का जिक्र किया था अभी उसमें भी जो प्रोटेगनिस्ट है वो अपनी बाइक पे जाता है उसने मुझे नहीं लगता लगता उसने हेलमेट पहना हुआ जी सर हेलमेट ये इनको हम लोग डॉक्टर ये सेहत वाला प्रोग्राम करते अच्छा, हैं हैं अच्छा आप जानते हैं। जी बिल्कुल हाँ। <laughs> क्या बात है डॉक्टर सरवत <laughs> सर पे हेलमेट की बात हो रही है एक्चुअली मैं बहुत सारे राइडर्स को देखा है जिनके हेलमेट पे लिखा होता है कि अगर इन केस मेरा एक्सीडेंट हो जाए तो जो लोग आ जाते हैं आसपास बचाने के लिए मेरी हेलमेट मत उतारिएगा मुझे इसके बारे में थोड़ी क्लैरिटी लेनी थी क्या लोगों को अगर किसी का एक्सीडेंट हुआ है तो हेलमेट नहीं उतारनी चाहिए और वो डॉक्टर को ही हटानी चाहिए ऐसा है हाँ तो अगर कोई हेलमेट जाम हो गई है या वो ठीक से नहीं निकल पा रही वैसे भी सड़क पे जितना कम से कम करें किसी भी दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति के साथ उतना अच्छा है और हेलमेट रिमूवल की एक प्रणाली होती है एक स्किल होती है जो कि डॉक्टर्स को नर्सेस को सिखाई जाती है तो बेस्ट ये है कि अगर उसका एक्सीडेंट के बाद हेलमेट टूटा नहीं है और निकला नहीं है तो उसको अपनी जगह पर रहने दें इसी तरह अगर कोई भी चीज़ उसकी उसकी बॉडी के अंदर इम्पेल्ड है या फंस गई है या बाहर से आकर के अटक गई है उसको भी ना निकालें क्योंकि उसको निकालने से अंदरूनी स्ट्रक्चर जब आप निकालेंगे तो अभी तो ब्लीडिंग रुकी हुई है शायद उस स्ट्रक्चर की वजह से जैसी निकाला तो अंदरूनी खून का रिसाव हो सकता है और वो पेशेंट अस्पताल पहुँचने से पहले मर सकता है इसलिए इम्पेल्ड ऑब्जेक्ट्स और हेलमेट्स को हम मना करते हैं जनरली कि ना निकालें बड़ी उपयोगी चीज़ यह तो जी मेरा सवाल ये है सर एक तो मेडिसिन इमरजेंसी कोर्स जो होता है उसके बारे में कि ये अच्छा एक, ये रंगरूट वाले हैं मैं कहूँ दूसरा सवाल ये है कि जैसे हम नीट की नीट का जब भी एग्जाम होता है तो हम खूब सारे देखते हैं कि मुन्ना भाई पकड़े जाते हैं तो कुछ नहीं भी पकड़े जाते होंगे सर अच्छा तुम उधर उठ गए नहीं नहीं ये दो अलग पढ़ाते हैं पढ़ाते हैं मुझे लगा उनकी तरह की क्लास में भी पकड़े जाते हैं क्लास क्लास में आप लोग आपके सामने मतलब अच्छा तो कभी तो ऐसा हुआ है कि कोई स्टूडेंट आपके सामने आया और आप सोचो इसका हो कैसे गया कम का दाखिला यही सवाल तो है यही आ, नहीं अभी तक तो ऐसा बता नहीं हुआ तो नहीं बताएंगे किसी को नहीं नहीं वो तो पता लग ही रहा है <laughs> नहीं आ, ऐसा मेरे सामने तो पर्सनली मेरे एक्सपीरियंस में तो ऐसा कभी नहीं आया कि कोई स्टूडेंट ऐसा हो जिस मेरे को लगा हो कि भाई इसको तो निकालो मतलब बहुत हो गया बट uh, देखिए ऐसा है कि मेडिकल कॉलेज में आने के बाद परफॉर्मेंस बहुत सारी चीज़ों पर डिपेंड करती है आप जब मेडिकल कॉलेज में आए तो आप uh, स्वेच्छा से आए या आपको आपके ऊपर दबाव डाला गया डॉक्टर बनने का बहुत सारी फैमिलीज़ हैं हमारे यहाँ जो जो चाहती हैं कि उनके बच्चे जो हैं डॉक्टर बने वो कोशिश करते हैं कि उनको कोचिंग में डाला जाए उसके बाद तो वो प्रेशर्स एक अलग प्रेशर्स हैं आई uh, थिंक वो जो आप पूरा का पूरा जो एक आपने बताया मुन्ना भाई वाला कि वो पकड़े जाते नहीं पकड़े जाते वो जो पूरा रैकेट है वो भी उस प्रेशर की ही देन है कि कुछ लोग चाहते हैं कि डेस्परेटली कि वो डॉक्टर बने ही बने उनके पेरेंट्स तक चाहते हैं वो पैसा देने को भी तैयार हैं मतलब मिडल को कि किस तरह से पेपर पता लग जाए तो डेफिनेटली वो प्रेशर रहता है और कई बार जब जब ऐसे बच्चे मेडिकल कॉलेज में आते हैं तो वो बहुत स्ट्रेस में आ जाते हैं और आपने हाल में सुना होगा बहुत सारे मेडिकल स्टूडेंट्स जो हैं वो आ, वो अपनी जान भी ले, ले लेते हैं इसी वजह से कि वो एक कोप अप नहीं कर पाते क्योंकि हर एक के बस अच्छा, की नहीं है डॉक्टर बनना ये बात मानिए एक एप्टीट्यूड होना चाहिए इमरजेंसी मेडिसिन कोर्स के बारे में अच्छा आप पूछना चाहते हैं रंग रूट के लिए वो नहीं है ना सर मेरा सवाल ये है कि जो आपका डिपार्टमेंट है सर्जरी का सर्जन अगर किसी स्पेशली वो जैसे आंत का है कर रहे हैं गैस्ट्रो सर्जन है क्या सर ये ट्रॉमा सर्जन होना आपको उतना आसान लगता है जितना और किसी डिपार्टमेंट में होना माने आपकी पर्सनल लाइफ पे आपको लगता है कि और किसी डिपार्टमेंट में मैं होता तो मैं इमोशनली उतना ब्लंट नहीं होता मेरी फैमिली मतलब मेरे लिए मौत और ये सब चीजें बहुत आसान हो गई ये नहीं होता ट्रॉमा सर्जन मैं समझ गया वर्क लाइफ बैलेंस की बात कर रहे हैं एक जनरल एक ट्रॉमा सर्जन तो इस इसमें काफी शोध भी हुआ है वेस्ट में ज्यादा क्योंकि ट्रामा सर्जरी अभी हिंदुस्तान के लिए तो नया सब्जेक्ट है और अब कैडर्स आ रहे हैं ट्रॉमा सर्जन्स के बट बाहर ये शोध हुआ कि भाई क्या स्ट्रेस रिलेटेड प्रॉब्लम्स जो हैं वो ट्रॉमा सर्जन्स में ज़्यादा होती हैं तो ऐसा है कि बर्नआउट जिसे बोलते हैं स्ट्रेस रिलेटेड प्रॉब्लम्स जो हैं वो ट्रॉमा सर्जन्स में ज़्यादा होती हैं इसीलिए वहाँ पर उसके रेमिडिएटरी मेजर्स भी हैं वहाँ पर जब भी रिक्रूट किया जाता है जैसे अगर चार सर्जन्स चाहिए एक डिपार्टमेंट में चौबीस घंटे एमरजेंसी चलाने के लिए तो वो लोग आठ सर्जन्स रिक्रूट करते हैं अब बात समझ गए ताकि वो जो समय है वो डिवाइड हो जाए उसको फ्री टाइम मिले टीचिंग के लिए रिसर्च के लिए और चीज़ों के लिए और इस बात में एम्स ने भी बहुत पहल की है एम्स भी चाहता है क्योंकि उसकी ट्रिनिटी ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना केवल हम लोग पेशेंट केयर करते हैं और जैसे कि सौरभ ने इनिशियली बताया था कि हम बहुत सारी टीचिंग करते हैं हमारे स्टूडेंट्स हैं हम उनको पढ़ाते हैं और रिसर्च करते हैं तो हम भी कोशिश करते हैं कि हम नॉर्मल रिक्वायरमेंट से ज़्यादा लोगों को रिक्रूट करें जी कुछ ऐसे इंस्टेंसेस हैं जहाँ दो तीन बार ये सुना है मैंने मैं छोटी थी बहुत कि हमने तो बचा लिया पर ये पेशेंट बहुत स्ट्रॉन्ग विल्ड था इनकी विल पावर बहुत स्ट्रांग थी उस टाइम तो ये बात घर कर गई थी अब बड़े होते हैं तो सर ये खटकता है कि एक बॉडी जो इतनी ज़्यादा इंजर्ड है या इतने पेन में इतना कुछ जा रहा है और एक डॉक्टर आपको कह रहा है कि उस हालत में भी वो ना गिव अप नहीं कर रहा था ये आपने कभी एक्सपीरियंस किया है ये तो? मैंने अपने मेरे पिताजी लखनऊ में हेड इंजरी थी ब्रेन हेमरेज था और उनके लिए ये डॉक्टर्स ने बहुत ये बात कही थी कि बहुत बहुत फाइट मार रहे थे अंदर से हाँ बिल्कुल डेफिनेटली बहुत सारी अब उसको इमोशनली कैसे कनेक्ट करें पर हमने ये ज़रूर देखा है कि बहुत सारे पेशेंट्स होते हैं जिनको आपने इनिशियली ट्रीट किया और आप देख रहे हैं कि उनको बहुत सारी चोटें हैं और उनकी इंजरी सीवियरिटी जो स्कोर है वो बहुत ज़्यादा है और बहुत सारे लोग अपनी विल पावर से या ये कोशिश करके कि नहीं मुझे अब ठीक होना है वो उनकी जो रिकवरी है उसमें कम टाइम लगता है और वही सो तो कहीं ना कहीं माइंड गवर्नस द बॉडी सो कहीं ना कहीं जो हमारा मन है या दिमाग है उसका वैसे भी डायरेक्टली भी इफ़ेक्ट होता है हमारी बॉडी पे बट डेफिनेटली वो जो एक एक विल पावर जिसे जैसे आपने कॉमन टर्म में बोला वो हमारी इम्यूनिटी से लेकर के हमारे बॉडीली फंक्शंस को कहीं ना कहीं ज़रूर इफ़ेक्ट करता है इस पर कोई रिसर्च तो शायद नहीं हुई है पर हाँ डेफिनेटली सर आपने अभी कहा कि मन गवर्न करता है हमारी बॉडी को बहुत सारे लोग कह देते हैं कि इस चीज़ की अंडरस्टैंडिंग ये बड़ा ही एलिट इशू है ये तो एलिट लोग करते हैं बाकी नॉर्मल लोगों को जानने की इसकी ज़रूरत नहीं है बट हाउ डज़ दी अंडरस्टैंडिंग ऑफ माइंड एंड बॉडी हेल्प्स अस आप उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे no, इट इज़ नॉट ए लिटेस्ट इशू इट शुड नॉट बी टेकन एज एटेस्ट इशू ऐसा नहीं मानना चाहिए क्योंकि अल्टीमेटली एक ऑर्गन ऑर्गन सिस्टम है बॉडी में जो कि आपको एज ह्यूमन बींग और एक दूसरा एनिमल को डिफ्रेंशिएट कर रहा है और वो आपका दिमाग है या सेरोब्रम जो जो फाइनर कॉग्नेटिव फंक्शंस हैं तो कहीं ना कहीं तो हमारी पूरी लाइफ को हमारी इंट्रैक्शंस को हमारी बॉडी को हमारा मन और हमारी माइंड उसको अफेक्ट करता है डेफिनेटली हाँ डॉक्टर साहब मैं ये पूछना चाह रहा था कि वी आर इन द बिजनेस ऑफ न्यूज एंड स्टोरीज तो हमारे लिए कुछ भी नया जो होता है हमारे लिए जो न्यू है वो एक नई स्टोरी है कुछ इंटरेस्टिंग आया ये हम लोग होंकते रहते हैं कि कुछ नया लाओ नया एंगल आना चाहिए है ना तो जरूरी, जरूरी, जरूरी हाँ तो मेरे को ये जानना है कि आपके लिए तो हर नया चैलेंज है तो वॉट सेल्स योर बोट एज अ ट्रोमा सर्जन मतलब क्या वॉट ड्राइव लाइफ एंड दैट्सफैक्शन ऑफ गिविंग लाइफ और और एटलीस्ट असिस्टिंग कि मैंने किसी को बचाया वो एक ऐसा सेटिसफैक्शन है ना जब आप वार्ड में जाते हो राउंड लेते हो अगले दिन uh, कोई मरीज़ आया मॉर्निंग में फिर आपने किया आपके रेजिडेंट्स ने उस पर सर्जरी किया आपने जाके सर्जरी की और वो ठीक हो गया तो दूसरे दिन जब जब आप गए जब आपने उससे बात की वो जो एक 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 अलग टाइप का सेटिस्फेक्शन होता है वो वो आई कैन नॉट मैं मैं उसको शब्दों में बयान नहीं कर सकता कि आपने जितनी पढ़ाई की जित, जितना आपने वो उसका जो निचोड़ है वो अगर एक पेशेंट भी आपका बच गया तो बहुत है हेलो सर मेरा सवाल आपसे ये है कि कोई बहुत सीरियस हालत में आपके पास पहुंचा आपकी पूरी एक टीम है और जब आप ऑपरेशन थिएटर में हो या जहाँ पे भी हो आपकी टीम से गलती हो जाए जिसकी वजह से उस पेशेंट को भी नुकसान हो जाए तो उस चीज को कवर अप करने के लिए आप क्या करेंगे देखिए ऐसा है कि मैं ये तो नहीं बोलूँगा कि गलतियाँ होती नहीं हैं और एरर्स का पूरा एक मैं कहूँगा कि टॉपिक है मेडिकल साइंसेज में कि कैसे मतलब में पेट में कैंची छूटती है छूट जाती है छूटी हुई है मैं ये नहीं बोलूंगा कि नहीं है लिटरेचर गवाह है कि उसमें पेट में कैंची गॉस पीस या स्पॉन्जेस जो हम यूज़ करते हैं वो कई बार छूटे हैं पर अब धीरे धीरे करके उनका समाधान आ रहा है चेकलिस्ट बन रही हैं कि कैसे उसको प्रिवेंट करना है तो सबसे पहले तो हमने रिकॉग्नाइज किया कि ये प्रॉब्लम थी मेडिकल साइंस ने रिकॉग्नाइज किया शोध करके और केसेस से फिर उसके बाद उसको कैसे एड्रेस करना है उसको तो अब हम उस लेवल पे हैं कि हम ये कह सकते हैं कि पेट में कैंची छोड़ना जो है वो एक वो एक प्रॉब्लम है और उसको कहीं ना कहीं द डॉक्टर और द टीम शुड बी टेकन टू टास्क बट जहाँ तक आपने माइनर इशूज़ की बात की तो हमारे यहाँ क्वालिटी इंप्रूवमेंट प्रोग्राम्स होते हैं तो उसमें क्या होता है कि ऑब्वियसली वी के नॉट पिनलाइज एनी बडी बट हम एक केस को डी uh, आइडेंटिफाई करके ताकि उसकी आइडेंटिटी ना पता लगे आपस में पीयर्स में डिस्कस करते हैं कि कहाँ पर क्या गलती हुई क्योंकि अल्टीमेटली ट्रॉमा केयर जो है वो टाइम डिपेंडेंट है है ना एवरी मिनट इज़ काउंटिंग तो कहीं ना कहीं हमें वो पूरा एक स्केच बनाना पड़ता है आ, वो फिर प्रेजेंट होता है दस पंद्रह लोगों के सामने कि भाई ये पेशेंट ऐसे आया इतनी देर में आया ये ये प्रॉब्लम्स ये ऐसे हुआ तो क्या सब कुछ ठीक हुआ या नहीं हुआ या कहाँ पर क्या थोड़ी बहुत कमी रह गई या समय ज़्यादा बीत गया या ब्लड नहीं आया अब समय से दस मिनट ज़्यादा लग गए तो अगर वो प्रक्रिया आपके सेंटर में हो रही है जो कि एक लेवल वन ट्रॉमा सेंटर में होनी चाहिए तो आप क्या कर रहे हो कि अगली बार ऐसा ना हो उसके लिए आ, आप एक मैसेज दे रहे हो तो इट्स टीचिंग प्रॉपर इट्स एवर इवॉल्विंग इट्स इट्स अ वर्क इन प्रोग्रेस आई वुड से सर अभी सोम ने चैलेंजेस की बात की और कोविड जो था वो एक काफी बड़ा चैलेंज था सभी के लिए और स्पेशली डॉक्टर्स के लिए तो कोविड के समय पर आ, बहुत सारी ऐसी भी बातें हुई कि डॉक्टर्स को नहीं पता है कि क्या हो रहा है क्योंकि मेरे फादर भी एडमिट थे कोविड के समय और डॉक्टर्स ने हमें बोला कि एक टॉस् जुमैब इंजेक्शन है ये देना है इसके चांसेस पर ट्वेंटी परसेंट ही हैं आज तक तो हमने जिसको दिया है वो बचा नहीं इस हॉस्पिटल में और फिर हाउन आई ए सपोज टू डिसाइड कि मेरे को वो मेरे पिताजी को लगवाना है या नहीं लगवाना है और ये तो और फिर एक महीने बाद ये आ रहा है कि वो इंजेक्शन तो वो प्र, प्र

मरीजों पर कौन सी दवा पर उसने कैसे रिस्पोंड किया उसका जो प्रोटोकॉल है उसको बहुत डिटेल्ड क्या रिकॉर्ड तैयार होते हैं कि ये पेशेंट मरा किस वजह से मरा क्योंकि हम तो अभी जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र के भी लेवल पे पूरे फुल प्रूफ नहीं हो पाए हैं तो पेशेंट की डेथ का रीज़न क्या है और किस किस चीज़ पे कैसे हुआ इसको लेके भारत में अभी तक कोई बहुत मज़बूत सिस्टम नहीं है इसीलिए हम लोग कोविड के दौरान ये देख रहे थे अच्छा ये ट्राई करो फिर प्रोटोकॉल बदल रहा फिर बदल रहा बदलने में दिक्कत नहीं लेकिन जब उस दौरान हम इंग्लैंड के डॉक्टर से बात कर रहे थे कई जो भारत से गए वो कह रहे थे भाई यहाँ पे तो हर पेशेंट का पूरा रिकॉर्ड रखना पड़ता है इसको ये दिया गया ये रिस्पॉन्स ये दिया गया तो यहाँ पे कहाँ मेडिकल सिस्टम चुकता है नहीं कहीं ना कहीं आपने सही बोला आ, ये दोनों क्वेश्चन को मैं एड्रेस करूँगा पहली बात तो कोविड का कोई भी आ, कोई भी आ, जो मतलब मुद्दा बनाने से पहले हमको ये जान लेना है कि कोविड की जो पेंडेमिक था या बीमारी थी वो ये समझ लीजिए वंस इन इट वॉज अनप्रीसिडेंटेड इवेंट विच हैड हैपेन्ड वो हम समझ नहीं पा रहे हैं बट एक्चुअली मैं अनप्रीसिडेंटेड इवेंट था क्यों क्योंकि जिस चीज़ को हम टैकल कर रहे थे उसके ऊपर ना शोध हुआ था ना हमें पता था एप्सोलूटली न्यू थिंग किसी डॉक्टर को पता नहीं था कि वो कैसे रिएक्ट करेगा वो ऑर्गेनिज्म कैसे फैलता है इनिशियली तो ये भी नहीं पता था कि इतनी जल्दी फैलता है कैसे फैलता है वो धीरे धीरे करके रिसर्च होती रही तो वो एक अनप्रजेंटेटेड थिंग थी, थी जहाँ पर रिसर्च और ट्रीटमेंट साथ साथ चल रहा था पूरे विश्व में तो ये लाजमी सी बात है कि भई हमको किसी चीज़ के बारे में कुछ पता नहीं है साइमल्टेनियसली हम ट्रीट भी करना चाह रहे हैं और साइमल्टेनियसली रिसर्च भी चल रही है तो रिसर्च से नई नई चीज़ें सामने आ रही थी उसके ट्रांसमिशन के लिए उसके ट्रीटमेंट के लिए तो ये संभव है कि हमारी गाइडलाइंस और बदली हम सब ने देखा कि गाइडलाइंस जो पहले थीं उनको बदल दिया गया पर उसके पीछे कुछ ना कुछ साइंटिफिक एविडेंस था और ये भी होड़ थी और जल्दी भी थी कि हम किसी ना किसी तरह से इसकी एक इफेक्टिव दवा बनाएं वैक्सीन बनाएं उसमें भी एक एक फ़ाइट चल रही थी तो ऐसा नहीं है ये कहना कि कि जो इंजेक्शन दिया गया वो गलत तरीके से दिया गया पर क्योंकि वो गाइडलाइंस उस समय उस टाइम पीरियड में ये कह रही थी कि नहीं इससे शायद फ़ायदा हो सकता है भले ही दो परसेंट फ़ायदा हो या तीन परसेंट फायदा हो इसलिए वो दिया गया अब उसका फ़ायदा हुआ या नहीं हुआ अब मैं दूसरी बात पर आता हूँ तो डिटेल्ड रिकॉर्ड्स कि उसका फ़ायदा हुआ या नहीं हुआ ये सब मेनटेन किया जाता है और स्पेशली कोविड के टाइम पर जो बड़े सेंटर्स थे आ, आ, एम्स हुआ या किसी भी स्टेट में जो बड़े सेंटर्स थे जहाँ पर मरीज भर्ती हुए उनका जो मेडिकल रिकॉर्ड है वो अवेलेबल है शोधकर्ताओं ने उसको भी जांचा देखा और उससे भी बहुत सारी चीज़ें निकली आ, उसको भी रिव्यू किया गया डॉक्टर तो साहब दैट्स कोविड स्पेसिफिक या हर बीमारी में ये होता है कि देश भर में जो भी लोग बीमार हैं उनकी आइडेंटिटी को प्रोटेक्ट करते हुए उस रिकॉर्ड को इकट्ठा किया जाए रिसर्चर्स उसको एवेलुएट करें और उसके बेसिस पे भविष्य में हेल्थ पब्लिक हेल्थ और जो तमाम दूसरे प्रोटोकॉल्स हैं वो निर्धारित किए जाएं। आपने बहुत अच्छा सवाल किया है तो बहुत सारी डिजीज़ेस हमारे यहाँ ऐसी होती हैं जो पब्लिक हेल्थ इश्यूज़ हैं जी जैसे कैंसर है जैसे ट्रॉमा है इसमें डेटा की ज़रूरत है हमें और डेटा कलेक्शन की ज़रूरत है तो बहुत सारी ऐसी पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम्स का हम रजिस्ट्री मेंटेन करते हैं नेशनल लेवल पे भी जैसे कैंसर रजिस्ट्री है स्टेट लेवल पे भी कैंसर रजिस्ट्री है इसी तरह से हम कोशिश कर रहे हैं एम्स से आई से कि हम कोशिश करें कि ट्रामा की भी रजिस्ट्री बनाई जाए ट्रामा का भी डेटा इकट्ठा हो ताकि हम आ, पॉलिसी मेकर्स को बता सकें इनको इन्वॉल्व करके इनको बता सकें कौन कौन से इंटरवेंशन ऐसे हैं जो काम कर सकते हैं ट्रामा में कोविड सिर्फ कोविड स्पेसिफिक नहीं है कोविड में ये चीज़ बहुत ज़्यादा इंटेंस हो गई और बहुत जल्दी जल्दी हुई तो हमें पता लग गया कि भी कोविड रिलेटेड डेटा इकट्ठा हो रहा है पर डेटा हर एक पेशेंट का इकट्ठा होता है हॉस्पिटल हैज़ टू मेंटेन अ रिकॉर्ड ऑफ ऑल पेशेंट्स वट एवर डन ये सब इकट्ठा होता है सर ये कोविड में बहुत ज़... बहुत ज़... बहुत जगह पर खबरें छपी कि इंडिया का हेल्थ सिस्टम कोलेप्स कर गया बिल्कुल लेकिन मेरा मानना है कि ऑलरेडी कोलेप्स था मतलब वो सामने आया सबके सामने पहली बार तो क्या आपको लगता है आप देश के सबसे बड़े अस्पताल में तो आपको क्या लगता है कि दूसरी जगहों पे जो जहाँ बिना इलाज के मौत हो जाती है तो क्या इस तरह की मतलब इस तरह इस तर, इस तर की जो संस्था है एम्स और मतलब और ज़्यादा संख्या में होनी चाहिए हर ज़िले में होनी चाहिए भारत की जो आबादी है इंडिया जी डी का दो से तीन परसेंट खर्च करता है हेल्थ पे तो क्या आपको लगता है कि एक पब्लिक मतलब हेल्थ सिस्टम पूरा पब्लिकली मतलब होना चाहिए सरकार उस पर खर्च करे ये वाइडर सोशल इशू है कि पूरा हेल्थ सिस्टम जो है गवर्नमेंट को टेकअप करना चाहिए या प्राइवेट पार्टनर्स भी होने चाहिए आई थिंक कहीं ना कहीं बीच का रास्ता ही लेना पड़ेगा क्योंकि सिर्फ प्राइवेट से भी काम नहीं चल सकता और सिर्फ गवर्नमेंट से भी काम नहीं चल सकता सरकार ने पहल की आपको पता है अब 26 से ज़्यादा एम्स लाइक -like इंस्टीट्यूशन जो हैं बन रहे हैं सिर्फ इसलिए कि एम्स एक ब्रांड नेम है एम्स नई दिल्ली एक ब्रांड नेम था और उसने अपनी वर्क कल्चर की वजह से वो एक हासिल किया स्टेटस नॉट ओनली इंडिया में बट वर्ल्ड वाइड तो उस ब्रांड को सरकार कोशिश कर रही है कि वो एमुलेट करे हर एक स्टेट में बट सेंट्रल गवर्नमेंट सब काम नहीं कर सकती सेंट्रल गवर्नमेंट एट द मोस्ट हर एक स्टेट में एक एम्स जैसा इंस्टीट्यूशन uh, बना सकती है अल्टीमेटली हेल्थ इज़ ए स्टेट सब्जेक्ट हेल्थ आपको मानना पड़ेगा कि एक स्टेट सब्जेक्ट है स्टेट को भी इक्वली हेल्थ एंड इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट करना है चाहे वो प्राइवेट पार्टनर्स को इन्वॉल्व करके करें या हंड्रेड परसेंट गवर्नमेंट सेटअप में करें वो स्टेट पर डिपेंड करता है जहाँ तक एम्स का सवाल है एम्स कोशिश कर रहा है और आगे भी करता रहेगा कि और एम्स जैसे इंस्टीट्यूशन जो हैं उनको सपोर्ट किया जा सके जो हमारे यहाँ से एम्स नई दिल्ली से स्पेशलिस्ट और सुपर स्पेशलिस्ट निकलते हैं वो बहुत सारे नए वाले एम्स में जाके फैकल्टी मेंबर्स बन रहे हैं और कोशिश करेंगे कि जो प्रणाली यहाँ पर है और जो वर्क एथिक्स और कल्चर यहाँ पर है वो भी उन, उन सब इंस्टीट्यूशन्स में डेवलप हो अलगा वेट 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 वेट, वेट। आ रहे तुम्हारा हो गया भाई थोड़ा समय सीमा का भी ध्यान रखो ये कुछ ऑडियंस के सवाल हैं राहुल शेंडे का सवाल है कि इंसान की मुंडी काटने पर जानवर की मुंडी लगाने की प्लास्टिक सर्जरी सिखाई जाती है क्या एम्स में हम लोग कई ऐसे खबरों में पढ़ते हैं कि फलानी जगह सुअर का लिवर लगा के बचा लिया गया ये प्रयोग सक्सेसफुल हुआ क्या एम्स में इस तरह का कोई रिसर्च हो रहा है जिसमें जानवरों के अंगों का इस्तेमाल ट्रांसप्लांट के लिए हो नहीं देखिए जानवरों के अंग का इस्तेमाल ह्यूमन ह्यूम्स में एट रिसर्च लेवल ही है अभी तक और अब जानवरों का के ऑर्गन्स का इस्तेमाल ह्यूमंस में करने की ज़रूरत भी नहीं है क्योंकि अब ह्यूमन ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन एक्ट है और ऑर्गन ट्रांसप्लांट आप कर सकते हैं लाइव से भी डोनर्स से ज़्यादातर जो किडनी वगैरह में होता है और जहाँ तक लिवर का सवाल है वहाँ कैडोर भी मुद्दा ये है कि हम किस तरह से जो कैडेवरिक ट्रांसप्लांट है जो आफ्टर ब्रेन डेथ ट्रांसप्लांट है उसको कैसे बढ़ाएं हमारे कंट्री में अभी भी जो ब्रेन डेथ के बाद कन्वर्जन रेट है ऑर्गन डोनेशन का वो बहुत कम है ऑर्गन्स हमें ज़्यादा चाहिए पर हमें मिल नहीं पा रहे हैं वो ऑर्गन्स रिसर्च प्योर साइंसिस पर यह भी चल रही है कि किस तरह से कृत्रिम स्टेम सेल्स को इस्तेमाल करके कृत्रिम जो ऑर्गन्स हैं वो बनाए जाएँ बेंच पे आ, वो वो भी एक रिसर्च है कि वो ऑर्गन बनाने के बाद ह्यूमन्स में डाले जाएं बट एज ऑफ नाउ एनिमल ट्रांसप्लांटेशन इन टू ह्यूम्स इज नॉटिकल अच्छा आप इस सवाल का जवाब दे रहे थे तो मैं चाहता हूँ कि जब मैं मरूँ तो मेरा शरीर मेडिकल रिसर्च के काम आए मेरे जैसा सोचने वाले इस देश में बहुत सारे लोग होंगे और मौत तो बता के आती नहीं डॉक्टर साहब तो मुझे तुरंत क्या करना चाहिए अगले एक दिन एक हफ्ते एक महीने में कहाँ पे मैं रजिस्ट्रेशन करवाऊँ घर वालों को तो मैंने बता रखा है है ना तो उसका प्रोसेस क्या है कि मैं अपने मरे के बाद बॉडी डोनेट करूँ वो ज़मीन में दफना दी जाए आग में जला दी जाए पानी में बहा दी जाए इसके बजाय किसी रिसर्च में काम आए कुछ ज़िंदा लोग ज़्यादा देर जिंदा रहें बॉडी डोनेशन का क्या प्रोसेस है सो बॉडी डोनेशन और ऑर्गन डोनेशन का ये प्रोसेस है कि इसमें ऑप्टिन है जैसे आपने बोला कि मैं करना चाहता हूँ तो वॉल्ट्रियली आप जा सकते हैं हमारे यहाँ एम्स में एक संस्थान है औरबो करके ऑर्गन रिटीवल बैंकिंग ऑर्गेनाइजेशन हमारे यहाँ डिपार्टमेंट ऑफ एनाटमी भी है जो इस चीज़ का रिकॉर्ड रखता है वहाँ से एक ऑर्गन डोनर कार्ड भी आपको इशू होगा तो जो भी ये चाहता है कि आपके ऑर्गन्स अगर आप खुदा ना खास्ता ऐसा होता है कि ब्रेन डेड होते हैं और आपके ऑर्गन्स जो हैं लाइव हैं तो वो इस्तेमाल हों किसी में तो आप उसको कर सकते हैं अपने और वो में जाके हमें ऑनलाइन करना करना की प्रणाली मुझे अभी बहुत क्लियर नहीं है पर मैं पूछ के जरूर बताऊंगा आपके दर्शकों को के। पर एम्स में जाके हम लोग पे हैं। पता कर सकते जी हैं। बिल्कुल और फिर उसमें कोई हमें फोन नंबर मिलेगा तो जब मृत्यु हो जाएगी तो घर वाले इन्फॉर्म करेंगे तो अस्पताल वाले आके बॉडी ले जाएंगे बॉडी ले जा ले भी जा सकते हैं और या फिर अगर किसी और अस्पताल में वो ट्रांसफ़र करा दी जाएगी अगर आपका बॉडी वैसे यूज नहीं हो सकती है तो एटलीस्ट रिसर्च और स्टूडेंट्स के काम किसी आ, ना किसी काम तो आई जाएगी बॉडी बिल्कुल वेरी गुड कार्तिकेय का सवाल है कि जब कोई सेलिब्रिटी या नेता एडमिट होता है तो कैसा प्रेशर होता है आपको होता है अरे फलाने भर्ती प्रधानमंत्री जी मिलने आ रहे हैं तो एकदम अब आप वहाँ बढ़िया आला लगा के खड़े हुए हो क्या प्रधानमंत्री को बताना पड़ेगा कि ये कैसे रिस्पॉन्ड हैं ऐसा हुआ है कभी नहीं नहीं प्रेशर थोड़ा बहुत तो रहता है बट आई थिंक एम्स में क्योंकि वी uh, आई वगैरह बहुत ज़्यादा आते हैं तो आई थिंक uh, हमारा एक सिस्टम बना हुआ है पूरा कि किस तरह से उनको केटर करना है हमारा मीडिया प्रोटोकॉल सेल है जो उनको टेक केयर करता है उनके जितने भी प्रॉब्लम्स होती हैं उनको uh, बताया जाता है तो एक पूरी प्रणाली है एम्स के अंदर हाँ आप सही कह रहे हैं कि हमारे यहाँ वी बहुत आते हैं और इस बात कोई ये ये बात दर्शाती दिर्शा, भी है कि हमारा जो इंस्टीट्यूट है वो अच्छा है और अच्छा काम कर रहा है कि बड़े से बड़े नेता भी हमारे यहाँ आते हैं अपना इलाज कराने के लिए अब मैं ये नहीं पूछूंगा कि आपने किस बड़े नेता का इलाज किया है बिकॉज बिकॉज सीक्रेसी रजत चड्ढा ने पूछा है ट्रॉमा वाले कोरोना काल में क्या कर रहे थे ट्रॉमा वाले कोरोना काल में ट्रॉमा कर रहे थे क्योंकि कोरोना काल के लॉकडाउन के अलावा और लॉकडाउन में भी एक्सीडेंट्स हुए हमारा डेटा है पूरा हमने कि उस डा उस दौरान भी बल्कि उस दौरान जब गाड़ियाँ चलती थी खूब सराटे से चलती थी ज़्यादा स्पीड से चलती थी जल्दी पहुँच जाए जल्दी पहुँच जाएँ या तो ट्रामा कभी कम नहीं हुआ और जैसे ही लॉकडाउन हटा हालांकि कोरोना चल रहा था ट्रॉमा फिर भी मैनेज होता रहा क्योंकि इंजरी एक ऐसी चीज़ है वो किसी चीज़ को देख के नहीं आती ट्रामा बरकरार रहा और मैं एक और चीज़ बताना चाहता हूँ कि सिर्फ रोड ट्रैफिक इंजरीज़ ही इंजरीज uh, नहीं हैं ट्रामा नहीं हैं uh, ये सिर्फ पचपन प्रतिशत के करीब हैं 50 से 55 परसेंट के करीब रोड ट्रैफिक इंजरीज़ होती हैं बट बाकी 45 परसेंट बहुत वेरिएबल कॉजेज़ हैं बच्चे और एल्डरली जो हैं जो uh, बूढ़े लोग हैं वो गिर जाते हैं फॉल्स उससे उनको चोट लगती है uh, हमारे जब uh, uh, खेतों में जब हार्वेस्ट वायलेंस एसॉल्ट एक दूसरे को मारना चाकू से गोली से हालांकि हमारे यहाँ गन लॉस बहुत अच्छे हैं तो हमारे पास उतने ज्यादा गन शॉर्ट इंजरीज नहीं आती तो वो बारे 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 तो है जितनी गोलीबारी वाली बात भी सीरियस ट्रॉमा में आते होंगे बिल्कुल बिल्कुल गोली मारना ऊपर फिर हमारा इंडस्ट्रियल वो बढ़ रहे थे इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट्स होते हैं कंस्ट्रक्शन इतना बढ़ रहा है आए दिन आप देख रहे हो इतनी ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स हैं जो वर्कर्स हैं सेफ्टी नहीं होती कई जगह तो गिर जाते हैं बहुत गहरी चोटें आती हैं तो ये बहुत सारे कारण और हैं चोट लगने के सिर्फ रोड ट्रैफिक जी फैजान का सवाल है कि जब बहुत घातक एक्सीडेंट होता है तो आदमी को याद नहीं रहता एक्सीडेंट के ठीक पहले क्या हुआ था ये इज देयर अ थिंग कॉल्ड मेमरी लॉस बिफोर दैट नहीं, हाँ तो मेमोरी लॉस या कॉग्नेटिव लॉस अगर ब्रेन में चोट लगी है तो वो एक संभावना है आ, पर अगेन जो पिक्चरों में दिखाते हैं कि एक बार चोट लगी तो याद आ गया एक बार दोबारा चोट लगी तो फिर वो भूल गया नहीं होता ऐसा ऐसा नहीं होता है ऐसा नहीं होता है पर हाँ भूल जाना या अपने जो एक कॉग्नेटिव जिसे बोलते हैं ना कि स्ट्रेंथ है वो लूज जरूर कर सकता है इंसान अगर उसके सर में चोट लगी हो अरिहंत का सवाल है कि क्या डॉक्टर साहब पुनर्जन्म में भरोसा रखते हैं और अक्की भाई ब्लॉक्स का सवाल है कि क्या मरे हुए आदमी को फिर से जीवित किया जा सकता है, आ... है भाई ये लोग टेक्निकली <laughs> स्पीकिंग तो मरे हुए आदमी को जिंदा नहीं किया जा सकता और बस इसी तरह जिंदा किया जा सकता है कि अगर कोई ब्रेन डेड हो गया है टेक्निकली डेड है तो उसके जो ऑर्गन्स हैं वो अभी भी अलाइव हैं तो शायद दूसरे किसी के, के अंदर ट्रांसप्लांट कर दिए जाए तो जिंदा रहेगा और पुनर्जन्म Uh, ये काफ़ी पर्सनल सवाल है तो इसमें मैं टेक्निकल चीज़ नहीं बोलूँ तो ज़्यादा अच्छा है अच्छा एम्स को लेके बहुत सारे सवाल हैं डॉक्टर साहब लाइन लंबी लगती है क्या आम आदमी जा सकता है एम्स में है ना पैरवी करवानी पड़ती है नहीं करवानी पड़ती है रिपोर्ट आने में समय लगता है ये सब है ना और भी कई सवाल हैं इसको एड्रेस करने के लिए आ, सारी एडमिनिस्ट्रेशन ने एक के बाद एक कोशिश की है और आ, जो एम्स उन्नीस में था वो एम्स आज नहीं हैं 1956 में 500 बेड्स से शुरू हुआ था 250 या 500 बेड से आज ढाई हज़ार बेड हैं आ, अब तीन हज़ार होने जा रहे हैं आ, और बल्कि पाँच हज़ार होने जा रहे हैं और आगे दस साल का, का अगर प्लान सुना जाए बट ये बिल्कुल अपेरेंट है कि सिर्फ़ एक एम्स पूरे हिंदुस्तान में सारी जो बीमारियां हैं सारी प्रॉब्लम्स हैं उनको टैकल नहीं कर सकता और इसीलिए हमने पेरिफ्रल एम्स या जो दूसरे एम्स हैं उनको सरकार ने सोचा कि खोला जाए कि उस लेवल की जो केयर है रिसर्च है या टीचिंग है वो सभी राज्यों में हो ताकि बहुत सारे राज्यों से जो सेंटर में पेशेंट्स आ रहे हैं एम्स में पेशेंट्स आ रहे हैं उनको वहीं पर इलाज मिले और देखा जाए आई थिंक एक सोल्यूशन है अब इसका तो आ, जो रिज़ल्ट है वो दस बारह साल में ही मिलेगा ये देखिए कई लोग ना रिपीट सवाल के लिए बोल रहे हैं ड्यूरेशन अच्छा हाँ इन

केहोन वो इजरायली लोग जो बजाते हैं हाँ। तो ये केहोन बहुत अच्छा बजाते हैं और गाने बहुत अच्छे गाते हैं मैं बिल्कुल गाने नहीं गाता हूँ तुम मुझे पता है तुम मुझे कहाँ पता नहीं कोशिश कर रहे हो <laughs> <laughs> नहीं नहीं मैंने लाइव देखा है इसलिए हाँ जी सर रोबोटिक्स में जितनी मैं था तुमने सवाल पूछा था पहले की नहीं उन्होंने भी मना किया रोबोटिक्स की एडवांसमेंट के साथ हम देख रहे मेडिकल प्रोसीजर्स में भी ऐसे हो रहा है तो वो एक चीज पूछना चाहती हूँ और जैसे आपने कहा एक एक सवाल समय कमी रोबोट्स जो आजकल जैसे बोले जाते हैं मेडिकल रोबोट्स हैं और सर्जरी करते हैं तो ऐसा नहीं कि कोई ऑटोनोमस रोबोट है जो सर्जरी कर रहा है आ, वो रोबोटिक आर्म्स हैं जिनको यूज यूज करके एक कंसोल पे सर्जन बैठा हुआ है अलग से उसी ऑपरेशन थिएटर में या कहीं और डिस्टेंट सर्जन वही देख रहा है जो रोबोट उसे दिखा रहा है और उसको टेली से भी किया जा सकता है पर वहाँ पर लोग चाहिए ऐसा नहीं कि वहाँ डॉक्टर नहीं चाहिए हो सकता है स्पेशलिस्ट सर्जन वो चिट्टी है

दूसरे सर्जन कहीं और बैठ के जो रेली में स्पेशलिस्ट सर्जन हैं वो दूसरी जगह बैठ करके कंट्रोल ले करके और उसको ऑपरेट रहे पर ऐसा नहीं, नहीं है कि वहाँ डॉक्टर और नर्सेज और एनेस्थेटिस्ट नहीं है वहाँ पर सब पूरी टीम मौजूद है जी ये आखिरी सवाल जी आपकी लाइफ में अभी एक आपने एक, एक केस स्टडी बताया जो अफ्रीकन आपने ट्रीट किया इसके अलावा कोई ऐसा एक मरेकुलरस केस जो आपको भी समझ नहीं आया हो कि कैसे ट्रीट कर दिया हमने बहुत ही मेरेकुलस था नहीं बहुत सारे केसेस हैं मैं एक को पिन पॉइंट नहीं कर सकता पर ज़्यादातर क्या होता है कि स्पेशली ट्रामा के पेशेंट्स जो होते हैं वो अलग अलग तरीके से रिस्पॉन्ड करते हैं बहुत सारे लोग बहुत दिनों में रिस्पॉन्ड करते हैं बहुत सारे लोगों को ऐसी इंजरीज होती हैं कि हम कई बार आई सी यू में सोचने लगते हैं कि यार अब इसका एक सिस्टम चला गया दूसरा सिस्टम चला गया जो छः इंपॉर्टेंट सिस्टम्स हैं बॉडी के मल्टीपल ऑर्गन फेलियर में कौन चला गया छः छः इम्पॉर्टेंट जो होते हैं जो सिस्टम्स हैं एक तो दिमाग है हमारा कॉन्शियसनेस दूसरा लंग्स तीसरा हार्ट चौथा किडनी और पांचवा जो है वो आपका लिवर और जो और छठा जो है हमारी खून बनाने की कैपेसिटी Uh, या जैसे कोएगुलेशन जिसे uh, जैसे खून बनता है और uh, बढ़ता है तो ये सब जो चीज़ें हैं ये छः इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स क्रिटिकल केयर में देखे जाते हैं uh, गहन जो चिकित्सा होती है या आईसीयू केयर जो होती है और बहुत बार ऐसा हुआ कि हमने uh, एक तरह से हाथ खड़े कर दिए कि भाई अब तो कुछ हो नहीं पाएगा पर फिर भी हम सपोर्ट देते रहे उसको uh, क्योंकि इट्स ऑल अबाउट गिविंग सपोर्ट और सडनली चार पाँच दिन बाद ऐसा हुआ कि उसके सारे ऑर्गन सिस्टम जो है वो रिवर्ट होने लगे जो आपको लग रहा था फेल हो गए वो रिकवर हो गए फेल होके रिकवर होना तो बहुत कॉमन है हाँ। कि फेल हो गया फिर रिकवर हो गया बहुत सारी चीज बहुत सारे पेशेंट्स में ऐसा लगा कि नहीं अब कोई उम्मीद ही नहीं है मतलब अब बहुत दिन हो गए अब सब कुछ हो गया सपोर्ट भी दे रहे हैं तब भी नहीं हुआ फिर भी ऐसे पेशेंट्स हैं जो आ जाते हैं और बहुत कॉमनली आता है कि अच्छा ये बहुत दिन से मशीन सपोर्ट पे हैं घर वाले कह रहे हैं आप रिमूव कर दीजिए बिल्कुल रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हैं वो कैसे वो वो हमारे यहाँ अभी भी वो लीगल नहीं है तो वी डोंट डू इट या नहीं उसको डी एन आर बोलते हैं इसको डी एन आर बोलते हैं डू नॉट रिसेसिटेट तो वो ऑर्डर्स हमारे यहाँ लीगल नहीं हैं तो मैं उसकी एथिकल उसमें नहीं जाऊँगा बट हाँ कई बार ये डायलेमा रहता है पेशेंट्स के साथ कि अब क्या किया जाए बहुत दिन हो गए पर आप बिलीव करेंगे कि बहुत सारे पेशेंट्स हमारे यहाँ जो हैड इंजरी के थे वो नौ नौ दस दस महीने एक एक साल वेंटिलेटर पर रहे Uh, क्योंकि वो एफोर्ड नहीं कर सकते थे उनकी फैमिलीज वेंटिलेटर फिर उनको ये भी किया गया हमारे न्यूरोसर्जन्स ने किया कि उनको अरेंज किया कहीं से वेंटिलेटर फिर उनको सिखाया गया और फिर वो घर चले गए तो ऐसे भी पेशेंट्स होते हैं जो लाइफ सपोर्ट पे घर भी गए हैं अच्छा पूछ लो मुना मुना छोटा सा जुड़ा सवाल है कि कोविड के बाद से हम लोगों ने ऐसा देखा है कि डॉक्टर्स की फीस सडनली बहुत ज़्यादा स्पाइक हुए हैं एंड इट इज़ कॉमन क्वेश्चन ठीक है तो उस पर आप क्या कहना चाहते हैं ये तो सरकारी डॉक्टर हैं बताइए फिर भी नहीं एथिकली स्पीकिंग अगर आपको लग रहा है और 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 आपके पास फीडबैक है ऐसा कि स्पेसिफिकली कोविड के बाद फीस बढ़ गई है तो ये तो नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से एथिकली स्पीकिंग तो नहीं होना चाहिए पर एक चीज़ मैं ज़रूर बोलना चाहूँगा जहा, जहाँ जहाँ प्रॉब्लम आती है और जहाँ प्रॉब्लम आई है कुछ सालों से कोपरेटाइजेशन ऑफ हेल्थ केयर यू नो उसको एक जैसे बोला यू आर इन बिज़नेस ऑफ जर्नलिज्म ऐसी वो बिज़नेस ऑफ हेल्थ केयर में लोग बाग आ गए हैं कहीं ना कहीं वो प्रॉफिट अटैच हो गया है आ, और इसी वजह से जो डॉक्टर्स हैं वो भी कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के एम्बिट में आ गए हैं आ, हर चीज़ जो प्राइवेट में होती है वो गलत नहीं होती पर हर चीज़ जो प्राइवेट प्राइवेट में होती है वो अच्छी भी नहीं होती और आ, आ, कहीं ना कहीं हमें इंट्रोस्पेक्ट करने की ज़रूरत है कि किस तरह से हम उसको मॉडरेट कर सकें इट्स ए बिग क्वेश्चन हमारी कम्युनिटी में भी मेडिकल कम्युनिटी में भी एक बड़ा क्वेश्चन है कि इसको कैसे एड्रेस किया जाए बट आई थिंक पॉलिसी मेकर्स ही इसमें कुछ कर सकते हैं जो ऊपर लेवल पॉलिसी बनाते हैं दे कैन इंटरेक्ट विद एक सेकंड एक सेकंड ये दद्दा है हमारे स्पोर्ट्स एडिटर <laughs> <laughs> तुम तो चश्मा लगा क्यों खड़े थे अंदर सर लाइट हां ये बीमारी कौन सी है लाइट थोड़ी ज्यादा है लाइट ज्यादा है कुछ पूछ लो डॉक्टर साहब से स्पोर्ट्स इंजरी पे लाइक अगर आप गाइड कर सकें कि आप पहले क्या होता था कि जब इंजरी होने का मतलब था कि आपको फॉरेन जाना जाना पड़ेगा अब एन में काफ़ी चीज़ें बेहतर हुई नेशनल क्रिकेट अकेडमी जो है बेंगलुरु में तो ऐसा लाइक आपका एक्सपीरियंस आप सालों से हैं इसी फील्ड में तो ऐसा आपको क्या लगता है कि क्या ऐसा बदला कि अब हमारे पास सुविधाएं तो हुई हुई कैपेबल लोग भी हो गए स्पोर्ट्स इंजरी में स्पेशली नहीं कैपेबल लोग बिल्कुल है। है। हैं और सेंटर्स हैं स्पोर्ट्स इंजरी जो पढ़ाते हैं एम्स में भी हैं कुछ ऑर्थोपेटिक सर्जन जो स्पोर्ट्स इंजरी देखते हैं सफदरजंग के साथ तो पूरा का पूरा एक सेंटर है स्पोर्ट्स इंजरी सेंटर जो सफदरजंग हॉस्पिटल के साथ है ये नालायक इसलिए पूछ रहा है कह रहा है सर क्रिकेट खेलते हुए दो तीन जगह दर्द हो रहा बाद में पूछना यार, यार। <laughs> एक तो ये बड़ी दिक्कत है डॉक्टर को बुलाओ न्यूज रूम में तुरंत सबके अपने अपने मसले हैं अभी ये जैसे कैमरा बंद हो गया साहब हमें दाखिला करवाना हमारे यहाँ दर्द हो रहा है वहाँ दर्द हो रहा है और सबको लगता है एक डॉक्टर आ गया उससे सब पूछ लो <laughs> आपको इस तरह होता है रिश्तेदारों के पास जाते हो तो बेटा माएँ बाल झड़ रहे हैं बेटा माएँ नाखून बढ़ रहे हैं इस तरह है रिश्तेदार खेल लेते हैं वहाँ होता है होता है सभी डॉक्टर्स के साथ होता है आई थिंक बट आई थिंक दे हम लोग uh, एक तरह से उसको अच्छी लाइट में लेते हैं और बहुत प्राउड भी फील करते हैं कि रिश्तेदार पूछ रहे हैं या दोस्त पूछ रहे हैं तो शायद हम कुछ डिफरेंट हैं शायद शायद कुछ उनको दे सकते हैं चलिए, हम लोग लेकिन पिछले तीन चार साल से मैं देख रहा हूँ ऐसी कई घटनाएं हुई है जो रेजिडेंट डॉक्टर चाहे जी एस बी एम जहाँ से आपने पढ़ाई की है अक्सर हैलेट वाला केस आता रहता है कि आज ठोक दिया मरीज को ठोक दिया रिश्तेदार को ठोक दिया ये ये बंद करके कर मारा कर बंद और कर इसका पर इसका उल्टा भी होता है जब परिजन डॉक्टरों को मारपीट करते हैं फिर डॉक्टर स्ट्राइक पे जाते हैं बिल्कुल दोनों तरफ से है वही मैंने बताया जो द्वंद्व शुरू हुआ है पेशेंट्स के रिलेटिव्स और डॉक्टर्स स्पेशली इमरजेंसी रूम्स में वायलेंस होना ये, ये मल्टीफेक्टोरियल है बहुत सारे कारण हैं इसके पीछे सिर्फ एक पर्सनल कारण डॉक्टर का नहीं है डॉक्टर भी एक सिस्टम में काम कर रहा है आपको रियलाइज करना पड़ेगा कि जो एक डॉक्टर है वहाँ बैठा हुआ है उसके पास क्या साज सुविधाएं हैं कि वो एक वर्ल्ड क्लास ट्रीटमेंट दे सकता है हर एक आदमी जो आता है ट्रीटमेंट लेने के लिए वो पढ़ा लिखा है उसको जानकारी है कि अमेरिका में कैसे ट्रीट होता है और उसको अगर वो किसी अस्पताल में नहीं मिलता है तो वो कहीं ना कहीं वो एक एक प्रॉब्लम क्रिएट होती है एट द सेम टाइम मैंने इसका जिक्र पहले किया था कि कुछ कम्युनिकेशन प्रॉब्लम्स हैं आ, हमारी कम्युनिटी में भी जो कम्युनिकेट ठीक से नहीं कर पाते हैं आई थिंक सिंपली सॉफ्ट स्किल्स के थ्रू अगर वो कम, बात अच्छी तरह कम्युनिकेट कर दी जाए तो बहुत सारे ये मसले जो हैं मार पिटाई के बहुत कम हो सकते हैं प्रोफेसर अमित गुप्ता आपने इतना वक्त दिया बहुत बहुत धन्यवाद और आप लोगों का बहुत धन्यवाद आप लोगों ने इतने धैर्यपूर्वक सवाल पूछे बिना गूगल किए बिना कविता सुनाए ये अब बस समय पूरा हो गया यार तो वो सवाल तो बाद में पूछ लेना क्या तुम्हें कैमरे पे जनता के हित के लिए अब व्यक्तिगत जनता के हित के लिए जनता के हित का सवाल है लोग जा रहे अरे अभी मैंने हम ही नहीं भरी छोटा सवाल है बहुत छोटा एक वाक्य में पूछ लोगे एक वाक्य में ठीक है लामा साइन आप सीनियर रेजिडेंट रहे हैं तो लामा साइन कराते हैं लीव अगेंस्ट मेडिकल एडवाइस कई बार ऐसा देखा जाएगा कि पेशेंट नहीं रिकवर हो रहा है हमें पता नहीं क्या ट्रीटमेंट चल रहा है और हम अब यहाँ से संतुष्ट नहीं हैं तो हम चाह रहे हैं कि अस्पताल रिस्पॉसिबिलिटी ले अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पर हमें छोड़े और अस्पताल कोशिश करता है कि वो लामा साइन करा के भेजे क्या ये सही है देखिए लीगली स्पीकिंग लामा एक लीगल डॉक्यूमेंट है वो डिपेंड करता है कि आप उसको किस तरह से लें अगर कोई अस्पताल पूरी तरह से इलाज नहीं कर पा रहा है या आपको सेटिस्फाई नहीं कर पा रहा है उसमें तो दो प्रॉब्लम्स हैं या तो उसके पास कैपेसिटी ही नहीं है तब तो वो डिस डिस्चार्ज करके या आपको आ, अपनी तरफ से कि भाई मेरे पास ऐसी सुविधाएं नहीं हैं कि हम मैं ट्रीट कर सकूं और वो रेफरल बना के आपको रेफ़र कर दे इन दैट केस डेफिनेटली उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आपको सेफली दूसरे अस्पताल में भेजा जाए जो कि लॉ कहता है आ, पर दूसरा यह है कि आप किसी वजह से सेटिस्फाइड नहीं है वो तो कह रहे हैं कि नहीं जी हम तो इलाज ठीक कर रहे हैं हमारे पास तो सारी सुविधाएं हैं आपको देने वाली बट आप कहीं ना कहीं Uh, या तो डॉक्टर्स uh, की वजह से या जो आपको दिख रहा है आपका इंटरेक्शन जो है वो ठीक नहीं है इन दैट केस डॉक्टर विल नॉट टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी डॉक्टर क्यों रिस्पांसिबिलिटी लेगा उस चीज़ की वो तो कह रहा है कि हमारी तरफ से तो पूरा इलाज हो रहा है वो दिखा भी रहा है आपको लिख के भी दे रहा है कि क्या इलाज चल रहा है उसमें फिर अगर आप तब भी संतुष्ट नहीं हैं तो फिर वो लामा साइन करा के वो भेजता है कि भाई हमारा एडवाइस नहीं है कि अस्पताल से जाएँ पर ये जाना चाहते हैं तो ये ले जा रहे हैं मरीज को इसके लिए फोर्स अरे भैया बस अब वो फोर्स करते हैं नहीं करते हैं वो तो केस टू केस पे डिपेंडेंट है थैंक यू आपने बहुत लोगयोगी सवाल पूछा अब आ गया है मैं क्लोज करूं तो बहुत बहुत धन्यवाद प्रोफेसर अमित गुप्ता अमित गुप्ता डॉक्टर अमित गुप्ता एम्स में प्रोफेसर हैं इंग्लैंड में होते तो मिस्टर होते मिस्टर अमित गुप्ता हिंदुस्तान के विख्यात ट्रामा सर्जन हैं इन्होंने अपने जवाब में अपने बारे में नहीं बताया कि किस तरह से ये दुनिया भर में ट्रामा सर्जरी पर लेक्चर्स देने के लिए जाते हैं वो आप इनके बारे में पढ़ सकते हैं अगर आपकी दिलचस्पी हो आपने इतना वक्त दिया थैंक यू सो मच और मेरे लिए सबसे बड़ा हासिल ये रहा कि एक्सीडेंट के वक्त अगर किसी को कुछ चुभ गया है वो भी नहीं निकालना है और स्टेटस को बहुत मेंटेन करके रखना है उसको सेव करना है और अगर ब्लीडिंग हो रही है तो उसको रोकना है और ये पानी पिलाना ये सब करना ये नहीं करना है क्योंकि प्यास से वो नहीं मरेगा फौरी तौर पे उसको मेडिकल अटेंशन मिले बहुत ज़रूरी थैंक यू सो मच आप देखते रहिए गेस्ट इन द न्यूज़ रूम जहाँ पर हम अलग अलग किस्म के किरदार अलग अलग व्यक्तित्व को अपने न्यूज़ रूम में बुलाते रहेंगे उनसे अपने हिस्से के और आपके सवाल पूछ के समृद्ध होते रहेंगे ताकि ज्ञान की यह परंपरा, जिसका आलम लल्लन टॉप ने थाम रखा है आगे बढ़ती रहे शुक्रिया